सो हेलो एवरीवन आई एम शुभीराज ठाकुर एंड आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है मैंने आप लोगों से कहा था कि आप पुष्कर जी के बारे में कुछ मेरे से सवाल पूछिए मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे एंड आप लोगों ने एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस मुझे दिए तो आज इस वीडियो के अंदर हम वो सवाल डायरेक्टली पुष्कर जी से पूछने वाले हैं कुछ लोगों को बहुत ही ज़्यादा क्यूरियोसिटी थी कि हाँ सर हमें इन क्वेश्चन का जवाब दीजिए कुछ टॉपिक्स पे लोगों को क्लैरिटी चाहिए थी जो आज पुष्कर जी खुद देने वाले हैं Right. तो uh, सबसे पहला सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपने अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट करी थी लाइक इट इट हैज़ बीन अ वेरी वंडरफुल जर्नी जैसे कि हम सब जानते हैं एंड आप सब लोग कुछ को इतना ज़्यादा प्यार करते हैं सो आई वांट टू नो कि आपकी ये जर्नी जो आपने अपने काम की जर्नी आपकी लाइफ की जर्नी है ये हाउ हाउ इट हैज़ बीन सो so, इस सवाल का जवाब मैं वैसे कई बार दे चुका हूँ बट डेफिनेटली बहुत सारे नए दर्शक होते हैं जिन्हें जानना होता है सो आई स्टार्टेड माई बिज़नेस जर्नी जब मैं सत्रह साल का था सो एट द एज ऑफ सेवनटीन आई स्टार्टेड माई बिज़नेस जर्नी एंड उस वक्त मैंने जब शुरुआत करी थी तो मैं हमेशा से एक ड्रीमर भी रहा हूँ और एक uh, कह सकते हैं कि मेरा इम्प्लीमेंटेशन क्वेश्चन बहुत ज़्यादा फास्ट रहा है तो ड्रीमर इन देंस लाइक दिस कि जब मैंने अपने ट्वेल्थ के एग्ज़ाम्स दिए थे तो बच्चे अपने टाइम को वेस्ट करते हैं जैसे उन्हें लगता है कि दो तीन महीने की हमारी छुट्टियाँ हैं उसके बाद हमारे कॉलेज शुरू होंगे उसके बाद सब कुछ होगा तो मुझे जैसे ही मैंने ट्वेल्थ पास ऑन करी तो मेरे मन में एक सवाल आया कि पुष्कर अब आगे क्या वट्स नेक्स्ट इन लाइफ वट यू हैव टू डू अब देख यार स्कूलिंग ओवर हो गई है ठीक है हम ग्रेजुएशन करेंगे उसके बाद आगे जो भी पढ़ाई करनी है हम करेंगे बट अभी इसके बाद यू हैव टू डू समथिंग जिससे तू अपनी लाइफ में कुछ बड़ा कर सके तो उस टाइम पे सबसे पहले मैंने अपने आप से सवाल पूछा मैं क्या क्या कर सकता हूँ वट ऑल कैन आई डू तो आंसर ज़्यादा मैं बच्चों को पढ़ा सकता हूँ क्योंकि मैं नाइन्थ से लेकर ट्वेल्थ तक आ, ऐसी uh, इंडस्ट्री के अंदर रहा हूँ जहाँ पे मैंने कम्युनिकेशन स्किल्स सीखी पर्सनालिटी डेवलपमेंट अपना किया और नेटवर्क मार्केटिंग की भी, भी मैं सेमिनार्स में जाता था तो वहाँ से एक तो माइंड बहुत ब्रॉडन हुआ बहुत सारी चीज़ें मैंने लाइफ स्किल्स के बारे में सीखी और एक सिखाने का भी शौक था क्योंकि जब मैं जिस इंस्टीट्यूट्स में जाता था वहाँ पर जो मेरे ट्रेनर्स थे वो मुझे मौका देते थे कि नाउ यू ट्रेन पीपल सो वहाँ पर मैंने ट्रेन द ट्रेनर के प्रोग्राम्स भी जब मैं स्कूल में था तभी मैंने करने शुरू कर दिए थे तो जब मैंने अपने आप से सवाल पूछा आंसर आया मैं बच्चों को पढ़ा सकता हूँ तो मैंने सोचा कि मैं कैसे कैसे पढ़ा सकता हूँ मैं होम ट्यूशन्स दे सकता हूँ मैंने होम ट्यूशन्स दिए बट होम ट्यूशन के बारे में जब मैं सोच भी रहा था तो मैंने कहा कुछ ना थोड़ा छोटा हो जाएगा कुछ करना तो बड़ा करना वट बिग कैन यू डू तो उस टाइम पर मेरे मन में आया मैं अपना इंस्टीट्यूट भी खोल सकता हूँ क्योंकि जब मैं इंस्टीट्यूट्स में जाता था वहाँ पे ट्रेनिंग लेता था ट्रेनिंग देता भी था तो एक इंस्टीट्यूट वाले माहौल का बिज़नेस कैसे चलता है ट्रेनिंग कैसे दी जाती है इसका मुझे बहुत अच्छा आइडिया था तो मैंने अपने आप से जब ये सवाल पूछा कि कैन यू डू इट द आंसर वॉज यस यू कैन डू इट बट जब भी आप अपने आप से कुछ एक्स्ट्रॉडनरी करने के लिए कहते हैं जैसे एक सत्रह साल का बच्चा जिसने अभी ट्वेल्थ पास ऑन भी नहीं करी है रिजल्ट आना अभी टाइम लगेगा रिजल्ट आने में तो वो बच्चा कह रहा है मैं अपना इंस्टीट्यूट खोलूंगा तो ये अनकन्वेंशनल हो जाता है एंड कोई भी अगर अनकन्वेंशनल चीज़ होती है तो लोगों को लगता है कि पता नहीं पॉसिबिलिटी है नहीं है तो सबसे पहले मैंने अपने घर में डिस्कस किया वेल well, मेरी मम्मी को हमेशा से मुझ पर विश्वास था बट माई फादर टोल्ड कि पागल हो गया अभी तो तूने खुद पढ़ाई नहीं पूरी करी हाउ हाउ विल यू डू इट बट एनी हाउ मैंने अपने फादर को कन्विंस किया कि पापा आई वॉन्ट टू डू इट वो थोड़े से खफा हुए मेरे से बट ही सपोर्टेड मी एट दी एंड मनाना पड़ा तो मैंने अपना पहला इंस्टीट्यूट खोला तो वहाँ से मैंने सबसे पहले कम्युनिकेशन स्किल्स की ट्रेनिंग्स देना शुरू किया एंड मेरे पास पहला बच्चा आया था मुझे याद है एंड मैंने उससे फीस चार्ज नहीं करी थी मैंने कहा था आई एल ट्रेन यू फॉर फ्री बस उसने एक सौ रुपये का रजिस्ट्रेशन किया था हमारे इंस्टीट्यूट पे तो वो सौ रुपये की जो कमाई थी वो मेरी है ना वहाँ से पहली कमाई थी तो उस एक बच्चे पे मैंने इतना बढ़िया फोकस किया और मैंने उसे बोला देखो अगर आपको मेरी ट्रेनिंग अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड सर्कल में भी जाके जरूर बताना कि यहाँ पे ऐसी ट्रेनिंग्स दी जाती हैं तो उसने कुछ ही दिनों में आ, बताना शुरू कर दिया अपने फ्रेंड्स को कि यार मैं ऐसे ऐसे जा रहा हूँ दिस इज द चेंजेस बट आई एम गेटिंग तो उसने अपने चेंजेस के बारे में बताया अपनी जर्नी के बारे में बताया एंड फिर मेरे पास स्टूडेंट्स आना शुरू हो गए उन्होंने भी यही किया माउथ पब्लिसिटी एंड मुझे वहां से समझ आया कि माउथ पब्लिसिटी एक बहुत अच्छी पब्लिसिटी रहती है एंड बहुत ही कम टाइम में आई गेट मोर देन हंड्रेड स्टूडेंट्स जस्ट बिकॉज आई वॉज डिफरेंट क्योंकि बाकी जितने भी लोग पढ़ाते थे सिखाते थे एग्जाम्पल अगर हम इंग्लिश की बात करें तो ऑल द अदर इंस्टीट्यूट जो इंग्लिश पढ़ाते थे उस टाइम पर वो ग्रामर सिखाते थे टेंसिस सिखाते थे बट मेरा फोकस अलग होता था मैं स्पोकन इंग्लिश पर ज्यादा ध्यान देता था तो मेरा फोकस होता था बच्चों को ज्यादा से ज्यादा मैं बुलवाऊं उनसे कॉम्युनिकेट करवाऊँ आपस में इंटरेक्ट करें जहां पर वो नहीं बोल पा रहे वहां पर मैं उनके कॉन्फिडेंस बूस्ट करने में हेल्प करूं सो so, माई टीचिंग वॉज अनकन्वेंशनल बिकॉज ऑफ दैट आई गॉट अलॉड ऑफ स्टूडेंट्स एंड कुछ ही महीने में जब बहुत सारे स्टूडेंट्स हो गए सो so थोड़ा सा मैं फेमस होना शुरू हो गया बिकॉज hmm. मार्केट में क्या हुआ एक इंस्टीट्यूट खोला है मैं बता भी देता हूँ मैंने जब स्टार्टिंग करी थी तो नियॉन ग्रुप के नाम से स्टार्टिंग करी थी तो नियॉन क्लासेस इतनी ज़्यादा फेमस होने शुरू हो गई कि लोग बोलने लगे नियॉन क्लासेस ऐसी क्लासेस हैं अगर कम्युनिकेशन स्किल्स सीखनी है पर्सनालिटी डेवलपमेंट करनी है तो वहाँ जाओ एंड uh, लोग प्रमोट करते थे बाद में साथ में ये चीज़ भी ऐड करते थे वहाँ पर जो पढ़ाते हैं वो बहुत यंग है तो लोगों को एज वेज नहीं पता होती है बट ठीक है मैं इतना मेरे को सुनने में आता था कि वहाँ पे बहुत कम उम्र के ऐसे ट्रेनर हैं वो पढ़ाते हैं एंड उस टाइम पे डेफिनेटली उम्र भी बहुत कम थी पॉपुलरिटी uh, मिली एंड पॉपुलरिटी में यूएसपी क्या था एक तो मेरा पढ़ाने का तरीका और दूसरा uh, मेरी एज मेरी एज हमेशा मेरे लिए एक एक्स फैक्टर रही है क्योंकि कम एज में आप कुछ भी बड़ा करते हो तो लोगों को ना वो बहुत अपीलिंग लगता है अब होता क्या है उसी टाइम से uh, क्योंकि देखो बच्चे मार्केट में हैं अब बहुत सारे बच्चे आपकी तरफ आ रहे हैं बहुत सारे बच्चे आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं दूसरे इंस्टीट्यूट से वो हमारी तरफ भी आ रहे हैं कहीं और भी जा सकते थे तो कुछ लोग जो बहुत टाइम से काम कर रहे थे उन्हें लगा पता नहीं यार ये क्या हो रहा है कहाँ बच्चे जा रहे हैं क्या हो रहा है किस तरीके से कर रहे हैं सो so, मेरा पहला फोकस होता था कि मैं स्पोकन इंग्लिश पे ध्यान दूँ उन्हें डेफिनेटली ग्रामर सिखाना है टेंसिल सिखाना है वो सेकेंडरी चीज़ हो गई एंड देन आई हायर पीपल फॉर दैट मैंने कहा जी ग्रामर तो मेरे से अच्छी कोई और सिखा सकता है सो वाई नॉट टू गिव चांस टू दोज एजुकेटेड पीपल एंड उसके बाद मैंने हायरिंग शुरू करी अपने इंस्टीट्यूट में मेरे साथ मैंने और ट्रेनर्स को किया एंड देन वी वर इन अकेडमिक्स मल्टीपल स्ट्रीम्स के अंदर हम पढ़ाते थे फिर मैंने उस टाइम के बाद अपने फादर से कभी पैसे नहीं लिए कभी भी नहीं उस टाइम पे मैं बच्चों से जो महीने का चार्ज करता था मैं वन थाउजेंड रुपीज चार्ज करता था एंड और बहुत सारे इंस्टीट्यूट थे जो तो मेरे से भी ज्यादा चार्ज करते थे कुछ मेरे से कम भी चार्ज करते थे तो सबकी अपनी अपनी जो वैल्यू एडिशन है उसके हिसाब से टू चार्ज तो अगर मेरे पास सौ बच्चे जिन्हें मैं पढ़ाता था और एक हजार रुपये वो देते थे तो मैं एक एक लाख रुपये उस टाइम से कमा रहा हूँ मतलब सत्रह अठारह साल की उम्र से मैंने कमाना शुरू कर दिया उसके बाद मैंने मल्टीपल क्योंकि पैसिव इनकम का कंसेप्ट काफी ज्यादा क्लियर था तो बहुत सारे ट्रे, ट्रेनर्स भी अपने साथ रखे ट्रेनर्स पढ़ाते थे हम 50 50 में 60 40 में 70 30 में अलग अलग रेशियोज़ में काम करते थे टीचर्स के साथ एंड uh, मैं काम नहीं भी करता था तब भी मैं पैसे कमाता था एंड uh, उससे हुआ क्या एक तो मैं काम नहीं करता था मैं पैसे कमाता था मुझे टाइम भी मिला थोड़ा सा तो मैंने उसी टाइम में स्कूल्स में कॉलेज़ में ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया मेरे को आज भी याद दे, है मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में ट्रेनिंग देने गया था जब मैं खुद फर्स्ट ईयर में था एंड मेरे सामने फाइनल ईयर के बच्चे बैठे हुए थे एंड आई कैन नेम द कॉलेज ऑल्सो बट मैं बता देता हूँ तो शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज के अंदर मेरा ट्रेनिंग हुआ था तो उस टाइम पे देर आर द स्टूडेंट्स ऑफ फाइनल ईयर एंड उस उस टाइम पे मुझे याद है मैंने जब स्कूल्स में ट्रेनिंग करी तो स्कूल्स के अंदर भी जो ट्रेनर्स होते थे जैसे स्कूल के प्रिंसिपल्स वाइस प्रिंसिपल्स भी जो होते थे उनसे भी मेरा बहुत अच्छा बॉन्ड बना एंड जो और ट्रेनर्स होते थे उनसे भी बॉन्ड बना Uh, जैसे uh, बहुत सारे और भी स्कूल्स हैं दिल्ली के अंदर जहाँ पे हमने ट्रेनिंग करी तो जो वहाँ के ट्रेनर्स होते थे वहाँ के जो लाइफ कोचेस होते थे लाइफ स्किल के ट्रेनर्स होते थे uh, साइकोलॉजिस्ट होते थे उनसे हमारी बॉन्डिंग हुई एंड मैंने क्या किया एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन किया हमने उस टाइम पर एक ऑर्गेनाइजेशन शुरू करी थी न्यू लीडर्स ये सब कुछ मैंने एक्चुअली इतना कुछ किया हुआ ना जिंदगी में कि मैंने कभी सारी चीज़ों का जिक्र कर ही नहीं पाता क्योंकि आई हैव डन अ लॉट इन लाइफ तो न्यून लीडर्स हम क्या करते थे जैसे अलग अलग स्कूल के जो ट्रेनर्स होते थे जिनकी जो स्पेशलिटी थी तो हमने क्या किया हमने ग्रुप बनाया और हमने और स्कूल्स एंड कॉलेजेस को अप्रोच करना शुरू कर दिया सो so वहाँ पे एक प्रोफाइल बन गई थी प्रोफाइल इन द सेंस कि और जो बहुत ज़्यादा सीनियर लोग हैं जिनके पास एक्सपीरियंस है वो अपने एक्सपीरियंस दे रहे हैं जो चीज़ें मेरे पास अच्छी हैं वो मैं दे रहा हूँ एंड उससे हुआ क्या आई गॉट इवन मोर फेमस मतलब जहाँ पे मतलब अठारह साल का बच्चा अब किसी स्कूल में कॉलेज में अप्रोच करेगा तो वहाँ पे डेफिनेटली सवाल आते हैं कि वट यू गोइंग टू ट्रेन वट यूर गोइंग टू टॉक अबाउट बट वेन यू हैव अ कम्युनिटी विद यू हु हुर सेंग हम इनके साथ हैं एंड वी आर ऑल् वर्किंग इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन तो हमने यू ऑल्सो रिमेंबर कि आप भी मेरे साथ कई जगह पे गए हो तो उस टाइम से ही आ, कॉलेज टाइम से ही मैं ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया था इंस्टीट्यूट्स को मैंने मल्टीप्लाई किया देखो मैंने पैसे कमाए तो मैंने हमेशा ना बिजनेस में इन्वेस्ट किया पैसे कमाए एक और ब्रांच खोल दी पैसे कमाए एक और ब्रांच खोल दी पैसे कमाए एक और ब्रांच खोल दी एंड हर जगह पे वी गॉट वेरी गुड रिस्पॉस उस टाइम पे जैसे हमने स्टार्ट किया कम्युनिकेशन स्किल्स से देन वी वेंटिन टू अकेडमिक्स फिर हम एक्स्ट्रा कोकुलर एक्टिविटीज के अंदर भी आ गए मतलब जहाँ पे बच्चों को कंप्यूटर uh, एजुकेशन लेनी है कंप्यूटर कोर्सेज करने हैं बहुत सारे कोर्सेज होते थे, थे उस वक्त डी टी पी टेली माइक्रोसॉफ्ट uh, भी सीखने आते थे लोग फोटोशॉप सीखने आते थे लोग एनिमेशन सीखने आते थे फ्लैश सीखने आते थे एस टी एम एल सीखने आते थे मतलब उस टाइम पर डिजिटल मार्केटिंग का तो क्रेज नहीं था बट वेबसाइट डेवलपमेंट वगैरह लोग सीखने आते थे तो हमारे पास इंस्टीट्यूट थे मेरे इंस्टीटूट्स में लोग आगे ट्रेनिंग थे, थे तो मतलब बहुत छोटी एज में मुझे ऐसा लगा कि लोग ऐसा बोलते थे कि बहुत छोटी एज में आप एक बन गए हो एंड यू शुड कीप इट अप बट होता क्या है कि कभी भी आप आगे बढ़ते हो सम पीपल uh, जो सोचते हैं यार जेलस भी होते हैं तो हमेशा ऐसा हुआ क्योंकि आप एक मार्केट के अंदर काम कर रहे हो मार्केट सेम है एंड आप अच्छा ग्रो कर रहे हो एंड वेन यू आर ग्रोइंग गुड दिल बी पीपल हु विल टॉक अबाउट यू सो ये स्टार्टिंग से हुआ उसी टाइम पर हमने आ, कुछ अच्छे काम भी करे हमने रशियन एम्बेसी के साथ काम किया तो रशियन एम्बेसी के साथ जो हमने इवेंट किया उसमें मैं टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर हमारा पब्लिकेशन आया पूरा आर्टिकल आया टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर जो हमने वहाँ पर इवेंट्स करे और उसके बाद हमने रशियन एम्बेसी के साथ कई कई ईवेंट्स करे सो तो उस टाइम पर मैंने पी आर टी ईवेंट्स भी शुरू करा रशियन एम्बेसी के साथ काम किया था उसके बाद हमने कुछ शादी भी करी आ, हमने इवेंट्स डेकोरेशन वी डन वी हैव डन लॉट एंड जब हमने इतनी सारी चीज़ों में इंगेज होते जा रहे थे तो मेरा एक ही फोकस था जो लोग मुझसे भी अच्छे हैं जो लोग बढ़िया कर रहे हैं उनके साथ कनेक्ट किया जाए जो चीज़ें मेरे पास अच्छी हैं जैसे मेरी एनर्जी बहुत अच्छी है मेरी सेल्स uh, अच्छी है मेरी मार्केटिंग अच्छी है मैं लोगों को uh, बहुत अच्छा प्रोस्पेक्ट कर सकता हूं आ, या फिर क्लाइंटेज जो बनाने का काम था वो मेरा था काम करने का काम मैं किसी और को देता दे दे क्योंकि मेन काम तो ये होता है ना क्लाइंट लाना रही, रही, रही। अगर हमने एक वेडिंग करनी है तो वेडिंग के लिए ही सामने वाला आप पे ट्रस्ट करेगा आपकी प्रोफाइल देखेगा बहुत सारी चीजें देखेगा तो अल्टीमेटली वो सब अब स्टार्टिंग में, में मेरे पास नहीं भी है बट किसी और के पास है बट उसे क्लाइंट लाना नहीं आ रहा तो क्लाइंट मैं ले आऊंगा आप काम कर देना सो मैंने आउटसोर्सिंग एंड लेवरेज बिजनेस के अंदर तब से करना शुरू कर दिया तो उससे होता क्या था जब आप क्लाइंट ला रहे हो तो मतलब आप मेन पर्सन हो आप किसी को भी काम दे सकते हो एंड उसी टाइम से हमने जैसे इवेंट्स के काम किए तो मेरे पास जो इंस्टीट्यूट्स होते थे वो बहुत अच्छी प्राइम लोकेशंस पे होते थे एंड उन पर लोकेशन होने के साथ क्या होता था कि मैं और बिजनेसेस की भी ब्रांडिंग कर सकता था तो जैसे किसी का काम एडवर्टीजमेंट का काम था तो वहाँ पे हमने जैसे अपनी जगह दे दी लोगों को कि आप अपने बोर्डिंग्स लगा सकते हो उस तरीके से कर सकते हो उनको रिस्पांस आना शुरू हुआ तो मैंने कहा कि अगर लोग अल्टीमेटली एडवर्टाइजमेंट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं मतलब लोगों को पब्लिसिटी चाहिए तो हम ये भी काम कर सकते हैं सो so, हमने लोगों को प्रमोट करना भी शुरू किया इस तरीके से भी काम करें उस टाइम पे मुझे याद है कि कुछ प्रॉपर्टी डीलर्स भी मेरे साथ कनेक्ट हुए तो मैंने कहा कि अल्टीमेटली प्रॉपर्टी डीलर्स को क्या चाहिए क्लाइंट्स चाहिए सो कैन वी गेट देम क्लाइंट्स द आंसर वॉज येस मेरे पास स्टूडेंट्स हैं स्टूडेंट्स के पेरेंट्स हैं उनका नेटवर्क है मेरी लोकेशन प्राइम जगह पर हैं ठीक है हम वैसे इतनी ज़्यादा पब्लिसिटी करते थे मार्केटिंग में पैसा खर्च करते थे पैम्फलेट्स डिस्ट्रीब्यूशन बैनर डिस्ट्रीब्यूशन पता नहीं बहुत सारी चीज़ें मतलब हर जगह पर uh, मतलब एक ब्रांड स्टैब्लिश कर दिया था हमने कुछ ही टाइम के, के अंदर तो इन सबसे फ़ायदा क्या हुआ कि हमने कुछ रियल स्टेट के लोगों से भी डीलिंग्स करी उन्हें क्लाइंटेज देने शुरू करे एंड वी गॉट गुड मार्जिंस तो सत्रह साल की उम्र से लेके बीस साल की उम्र तक आई हैव डन अ लॉट इन लाइफ मैंने इतना कुछ किया कि स्लोली एंड ग्रेजुअली मैंने कभी पीछे मुड़ के तो देखा नहीं एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली हम हमेशा एवरी डे मेरे अंदर यही होता था कि कुछ करना है यू यूज टू रिमेंबर दैट कि जब मैं कॉलेज में आया करता था तो कॉलेज के अंदर जैसे ही लेक्चर खत्म होते थे मुझे कोई मस्ती नहीं करनी होती थी मुझे कोई मस्ती से मतलब नहीं है लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे मेरा कॉलेज खत्म हुआ बच्चे थोड़ा सा टाइम स्पेंड ज्यादा कर रहे हैं मुझे अपना जितनी जल्दी हो सके भागना है और अपने बिजनेस की तरफ ध्यान देना है क्योंकि अल्टीमेटली ये समझ आ गया था कि आ, हम जितना ज्यादा काम की तरफ ध्यान देंगे उतना प्रोडक्टिविटी ला सकते हैं तो सत्रह साल की उम्र से लेके बीस साल तक ही मैं करोड़ों रुपये कमा चुका था आ, मैं ये नहीं बोलूंगा कि वो बहुत ज्यादा था क्योंकि आज के हिसाब से तो चलो वो कुछ भी नहीं है बट एक बच्चे के लिए जब वो 17-18 साल की उम्र से लाखों रुपए कमाना शुरू करता है एंड इतने सारे काम करता है तो एक लेवल पे पहुंचना उसके लिए हमेशा अच्छा रहता है सो so, कुछ लोगों को आ, उसके बाद मैंने बहुत कुछ किया सो so, उस टाइम पे क्या हुआ कि मैंने एक चीज़ देखी शुभी आई नोटेड दिस कि लोग मेरे पास कम्युनिकेशन स्किल सीखने आ रहे हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट के आ रहे ले आ रहे हैं वो कंप्यूटर एजुकेशन के लिए आ रहे हैं वो वेबसाइट डेवलपमेंट सीखने आ रहे हैं लोग डांस के लिए आ रहे हैं लोग गिटार के लिए आ रहे हैं लोग सिंगिंग सीखने आ रहे हैं अलग अलग कोर्सेज के लिए लोग आ रहे हैं मेरे पास तो मैंने कहा कि जिस एरिया में मेरा इंस्टीट्यूट है सो वट आई नोटेड कि उसके तीन किलोमीटर के एरिया के आसपास से ही मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स आ रहे हैं ड़ाग, ड़ाग। तो उस एरिया से ही स्टूडेंट्स आ रहे हैं तो जिस जिस एरियाज में मेरे इंस्टीट्यूट हैं उसी एरिया से मेरे पास बच्चे आ रहे हैं यही चीज आ, मैं देख रहा हूं कि हर जगह पे बच्चों को देखो पढ़ाई भी करनी है एजुकेशन भी लेनी है कोर्सेज भी करने सब कुछ करने तो अगर एक एरिया में लोगों की नीड है तो किसी और एरिया में भी होगी बट वहां पे मेरा इंस्टीट्यूट पहुंचने में मुझे टाइम लगेगा मतलब मुझे ऑफलाइन में जैसे अगर हमारे दिल्ली में इंस्टीट्यूट है तो मुंबई में जाने के लिए एक तो मेरा लेबर बढ़ जाएगा एंड फिर वहां पे जाके स्टैब्लिश करने में टाइम अटेंशन सब कुछ लगता है क्योंकि आ, मैं क्या देख रहा था कि चार इंस्टीट्यूट को संभालना भी मुश्किल हो रहा था hmm. हर जगह के अलग टीचर्स हैं हर जगह के अलग एक्सपेंसेस हैं सबकी सैलरीज बनती हैं सब मतलब ऑफिस के जैसे आपकी इलेक्ट्रिसिटी होती है बहुत सारे एक्सपेंसिस होते हैं लेबर को आपको देना होता है एम्प्लॉइज hmm. को आपको पे करना होता है ठीक है अलग अलग ड्यूरेशन पर आपको सब कुछ देखना होता है एंड फिर आपको चेक करना होता है एडमिशन कितने आ रहे हैं कितनी पेमेंट्स आपके पास रिसीव हो रही हैं फिर उस से कितने एक्सपेंसिज हो रहे हैं यू हैव टू मैनेज अलॉट तो मेरी जो मेरे को ऐसा लग रहा था उस टाइम पे मैं ऐसा सोचता था कि चार हो गए एंड चार से एग्जाम्पल मान लो चार लाख रुपए भी आ रहे हैं तो चार लाख रुपए भी अगर आपके पास आ रहे हैं तो चार के आठ कर दोगे तो आठ लाख रुपए आ जाएंगे बट वो पॉसिबल नहीं हो रहा था ऐसा नहीं था कि हम उसमें इन्वेस्टमेंट करके बड़ा नहीं कर सकते थे हम डेफिनेटली कर सकते थे बट वहाँ पे मुझे ना मैनेजमेंट सीखना भी था कि कैसे ना आप स्केल कर सकते हो सो इंस्टीट्यूट बिजनेस वैसे तो एक बहुत कम इन्वेस्टमेंट से बिजनेस शुरू हो जाता है एंड डेफिनेटली आपकी स्किल्स एंड आपके टैलेंट के ऊपर एंड आपकी मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग के ऊपर डिपेंड करता है बट डेफिनेटली कोई भी ऑफलाइन बिजनेस को आप एक्सपैंड करोगे ना तो आपका टाइम आपकी लेबर लगती है और मैंने देखा कि अगर ऑनलाइन बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो सीखना चाहते हैं तो वाई नॉट आई गो ऑनलाइन तो उस टाइम पे मेरे साथ एक बहुत बढ़िया चीज़ हुई क्योंकि उस टाइम पे मैं सेल्फ हेल्प में बहुत ज़्यादा काम करता था एक्चुअली स्टोरी लंबी है मेरी क्योंकि आई हैव डन इज ह्यूज सो उस टाइम पे uh, मेरे साथ मेरे एक फ्रेंड होते थे जिनसे मैं कभी कभी uh, वो लेता था एडवाइस लेता था क्योंकि जब मैंने अपना एक्स्ट्रा कोकुलर एक्टिविटीज का इंस्टीट्यूट ओपन किया था तो तब भी मैंने उनसे एडवाइस ली थी तो मैंने कुछ ऑनलाइन कोर्सेज बिल्ड करे एंड मैंने उनके पास जाके बात करी और मैंने बात करी कि भाई इस तरीके से वी आर वी वॉन्ट टू गो ऑनलाइन एंड हम बहुत सारे लोगों को कैटर कर सकते हैं तो उन्होंने बोला पुष्कर यू डेफिनेटली डू इट बट इसके अंदर ना ये ये चैलेंजेस आएंगे आपको एंड ही वॉज राइट मतलब वो बिल्कुल ठीक बोल रहे थे कि ये चैलेंजेस आ सकते थे तो उस टाइम पे उन्होंने क्या किया उन्होंने वो ही वॉज इन नेटवर्क मार्केटिंग तो उन्होंने अपने घर में एक जैसे होम बेस्ड मीटिंग्स होती हैं नेटवर्क मार्केटिंग में तो उनके घर पे लोग आए हुए थे और उन्होंने मुझे व्हाइट बोर्ड के सामने खड़ा कर दिया मैं बोलता तो अच्छा था ही मैं ट्रेनिंग्स तो देता ही था तो मैंने आ, वहाँ पे एक ट्रेनिंग दी वहाँ पे लोगों को माइंडसेट डेवलपमेंट की ट्रेनिंग दी वहाँ पर रॉबर्ट की ओसखी का एक सिंपल सा कंसेप्ट है ई मैंने दस मिनट पंद्रह मिनट की ट्रेनिंग दी एंड पीपल वो लाइक वाह लोग अपने प्रोस्पेक्ट लाए हुए थे उनके प्रोस्पेक्ट्स भी Uh, उन्हें हाँ बोल रहे थे कि ठीक है हमें जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं हमें करना है तो उससे मेरा कोई लेना देना नहीं था आई वॉज जस्ट एज अ मोटिवेशनल स्पीकर देयर एंड आई मोटिवेटेड पीपल दैट यू बिल्ड पैसिव इनकम यू डू बिजनेस एंड लोगों ने मतलब जिस तरीके से मुझे अप्रीशिएट किया प्लॉज करी मेरे लिए तो मुझे बहुत अच्छा लगा मैंने कहा यार ये तो बहुत अच्छा है एंड ही टोल्ड में पुष्कर अगर तू यही काम करेगा देख तू किसी को ट्रेनिंग देता है आज इंग्लिश सिखाता है कम्युनिकेशन hmm. स्किल्स सिखाता है उन्हें कोई भी चीज सिखाता है उसके बाद वो फ्री है। वो जिंदगी में जो भी करेंगे वो करेंगे अपने आप बट अगर तू उन्हीं लोगों को ट्रेन करता है नेटवर्क मार्केटिंग के लिए और वो लोग काम करते हैं इफ पीपल वर्क इन नेटवर्क मार्केटिंग तो वो जिंदगी भर जो भी काम करते रहेंगे नेटवर्क मार्केटिंग डोमेन के अंदर आपको उसका एक परसेंटेज भी मिलेगा और देख तेरे को जो चीज करनी अच्छी लगती है तो वो करना तेरे को पब्लिक स्पीकिंग अच्छी लगती है

ज बीन इट हैज बीन अ वेरी वंडरफुल जर्नी एंड वी नो कि हर बिजनेस के अंदर अप्स एंड डाउन्स आते ही हैं सो वी वॉन्ट टू नो कि ये अप्स एंड डाउन्स वाली जर्नी और ये जो जितना भी ये प्रोसेस था हाउ वॉज इट लाइक इट वॉज अ वेरी गुड बिजनेस फॉर यू वी नो दैट इट वॉज इट हैज कम अप टू वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू कि आपने काफ़ी कुछ अचीवमेंट्स करी अपनी लाइफ में इसके थ्रू सो वी वॉन्ट टू नो समथिंग अबाउट इट सो वेन आई टॉक अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग सी हर किसी के अपने अपने गोल्स होते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में आने के लिए डेफिनेटली देर वॉज वन गोल दैट आई वॉन्ट टू मेक अ पैसिव इनकम आउट ऑफ इट कि मेरे को पैसिव इनकम आए बट मैं इस ट्रेंड इस इंडस्ट्री के अंदर ना इसे एक्सप्लोर करने के लिए भी आया था mm -hmm. कि आई वॉन्ट इट टू सी क्योंकि मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व करी uh, मैं नाइन्थ क्लास से नेटवर्क मार्केटिंग के सेमिनार्स में जा रहा था मैं हमेशा बोलता हूँ तो मैंने देखा कि इसका क्रेज है मार्केट में देर आर अलॉट ऑफ नेटवर्क मार्केटर्स एंड वाई आर दे देर डूंग नेटवर्क मार्केटिंग एंड वट आर दे गेटिंग फ्राम इट एंड क्यों ये इंडस्ट्री इतनी फेमस है क्यों इतने सारे लोग इस इंडस्ट्री के अंदर आ रहे हैं एंड uh, उसके साथ साथ मैं इस इंडस्ट्री को एक्सप्लोर भी करना चाहता था आई वॉन्टेड टू मेक मनी आउट ऑफ इट ऑल्सो एंड उस टाइम पर एक चीज थी इंस्टीट्यूट बिजनेस में uh, हर बिजनेस में चैलेंजेस होते हैं मैं बताता हूँ इंस्टीट्यूट बिजनेस कभी कभी ना सीजनल भी होता है hmm. जैसे मैं आपको समझाता हूँ एकेडमिक्स में जब बच्चों के फाइनल एग्जामिनेशन हो जाते हैं तो एक बीच में गैप आता है एंड uh, फिर वो मैं आप सच बताऊं तो मई जून तक भी बच्चे पढ़ाई के लिए सीरियस नहीं होते वो कहते हैं ठीक है जी छुट्टियां खत्म होंगी ना तब जाएंगे पढ़ने <laughs> तो आप समझो मार्च अप्रैल मई तक आपका ऑलमोस्ट तीन महीने यू डू नॉट बिजनेस मैंने जो एक्टिविटीज का बिजनेस शुरू किया इंस्टीट्यूट शुरू किया किया वो इसलिए कि इस टाइम पे बच्चे क्या करते हैं सो आई अ अपॉर्चुनिस्ट मुझे ये नहीं देखना था आ जी, है जी आ, काम नहीं चल रहा तो नहीं चल रहा कोई फर्क नहीं पड़ता हमें ये देखना था कि ये बच्चे इस टाइम पे क्या कर रहे हैं खाली बैठते हैं घर पे बैठते हैं नहीं इनके माँ इन्हें कुछ सिखाना चाहते हैं स्किल्स देना चाहते हैं तो उसे केटर करने के लिए मैंने इंस्टीट्यूट खोला अब हुआ क्या अप्रैल मई जून जुलाई ये चार महीने आपके पास एक्टिविटीज में इतना बच्चा आ जाता है आपके पास एडमिशन की जगह नहीं होती है लिटरली दिस विद मी कि हमारे इंस्टीट्यूट में सारे बैचेस फुल हैं हमें बोलना पड़ता था, था आपको बैच नहीं मिलेगा आपको या तो बिल्कुल लेट नाइट का बैच मिलेगा या आपको आफ्टरनून का बैच मिलेगा जो प्राइम टाइम होता था जैसे शाम के टाइम पे बच्चे आते हैं हमारे पास वहाँ पे एक बच्चे की भी जगह नहीं है आपको दो महीने वेट करना पड़ेगा तब मिलेगा बट वही जो हमारे इंस्टीट्यूट इतना फुल होता था जब बरसात का मौसम आता था अगस्त सितंबर तब बच्चे आना कम कर देते हैं क्योंकि उस टाइम पे बच्चे एक तो पढ़ाई पे फोकस हो जाते हैं hmm. कोकुलर एक्टिविटीज में आते आते नहीं एक्टिविटीज में में फिर वो आते हैं जो एक्चुअल उसमें पैशनेट है hmm. तो मेरे बिजनेस इस तरीके से चल रहे थे कभी ये ऊपर तो कभी ये ऊपर कभी ये ऊपर तो कभी ये ऊपर दूसरी चीज सारे ट्रेनर्स आपके ऐसा नहीं सिखा सकते मैंने अपने इंस्टीट्यूट में ऐसे से लोग हायर करे जो मास्टर्स कर चुके थे जो पीएचडी कर चुके थे बट बच्चे उनसे खुश नहीं थे मतलब बच्चों ने मेरे पास कंप्लेन करना शुरू कर दिया पुष्कर सर आप पढ़ाओगे तो हम ट्रेनिंग लेंगे आप कहोगे कि कोई और आगे ट्रेनिंग दे तो हम नहीं लेना चाहते वी विल नॉट कंटिन्यू एंड वहां पे मेरे लिए दिक्कत क्या आ गई कि भाई मैं कितने बच्चों को एक बैच में ट्रेनिंग दे सकता हूँ बीस पच्चीस दैट सेट मैं बीस पच्चीस बच्चों का एक बैच ले सकता हूँ मैं चार बैच ले सकता हूँ मैं सौ बच्चों को पढ़ा सकता हूँ अगर सौ के दो होना चाहेंगे मेरे लिए पॉसिबल नहीं है राइट आई कैनॉट डू दैट अब हुआ क्या उस टाइम पे बिकॉज पॉपुलैरिटी बढ़ गई थी मेरे पास जैसे सुबह के जो बैचेस होते थे अर्ली मॉर्निंग बैचेस उस टाइम में कॉर्पोरेट से लोग आने शुरू हो गए क्योंकि हर इंसान अपने आप को अपग्रेड करना चाहता है तो मुझे याद है हिंदुस्तान टाइम्स का एक पूरा बैच मेरे पास था जो पहले तो एक इंसान पता करने आया आई नॉट नो डों मैनेजर और वट बट देन ही गॉट अ लॉट ऑफ पीपल इन टू माई इंस्टीट्यूट एंड वो पूरा बैच सिर्फ मैं सुबह सुबह की ट्रेनिंग उन्हें देता था तो मैं सुबह भी ट्रेनिंग दे रहा हूँ मैं शाम को भी ट्रेनिंग दे रहा हूँ एंड फिर मैं बीच में अपना इंस्टीट्यूट भी देख रहा हूँ लोगों से भी बात कर रहा हूँ पेरेंट्स से भी बात कर रहा हूँ उनकी क्वेरीज भी देख रहा हूँ तो सारी चीज़ें इतनी सेल्फ सेंटर्ड थी क्योंकि मेरे ऊपर बहुत कुछ डिपेंडेंट था एंड mm. मैं उस टाइम पर थोड़ा सा फ्री होना चाहता था तो मैंने ये सोचा कि चलो कोई दिक्कत नहीं है अगर मैं इंस्टीट्यूट पर ध्यान नहीं भी दूंगा जो मेरे पास टीचर्स हैं जो मेरे पास मैनेजर्स हैं जो मेरे पास रिसेप्शनिस्ट हैं मैं उन्हें ट्रेन करता हूँ क्योंकि देखो लेबर टू लीडरशिप में आपको जाना पड़ेगा मैंने वो टाइम मैंने बोला कि आप संभालो मुझे पता था कि कुछ फ्लॉज आएंगे बिजनेस डाउन जा सकता है एंड ऐसा हुआ भी कुछ परसेंटेज का फर्क पड़ा जब मैं ट्रेनिंग देता था और जब मैं नहीं देता था तो उसमें फर्क पड़ा मैंने अपने बैचेस को ना डेलीगेट कर दिया मैंने देखा कि चलो लोगों को लगता है चलो मैं 80 परसेंट हूँ कोई 60 परसेंट है ठीक है सिक्सटी परसेंट वाले को पूरा अपना आ, मैंने सिलेबस दे दिया कि भाई ये ये सिखाना है इस तरीके से सिखाना है और मैं बीच में मॉनिटर करता रहूंगा बट यू डू इट बिकॉज लेबर टू लीडरशिप पे जाना पड़ेगा अदरवाइज आप क्या जिंदगी भर काम ही करते रहोगे एंड नेटवर्क मार्केटिंग में मुझे अच्छा क्या लगता था क्योंकि मुझे जो उस टाइम पे जो मेरे फ्रेंड थे वो मुझे बुला लेते थे और बोलते थे भाई ये इतने सारे लोग हैं आप जैसे ऑडिटोरियम में ट्रेनिंग्स हो रही हैं ये हो रहा है तो मुझे वहाँ से एक पैशन लगा कि हाँ मैं ये काम कर सकता हूँ मुझे अच्छा लग रहा है मुझे करना भी चाहिए तो मैंने अपना फोकस ऑलमोस्ट सेवेंटी परसेंट फोकस उठाया और नेटवर्क मार्केटिंग को दे दिया आई गेव माई फोकस टू नेटवर्क मार्केटिंग बट एज आई ऑलवेज से मैं नेटवर्क मार्केटिंग में आने से पहले कुछ हद तक सक्सेसफुल था कुछ हद तक बट नेटवर्क मार्केटिंग में आके मुझे स्टार्टिंग में कुछ बहुत अच्छा नहीं मिला अब लोगों को ये क्वेश्चन भी होता है कि व्हेन आई एक्चुअली एंटर्ड इनटू नेटवर्क मार्केटिंग में उसका भी आंसर दे देता हूं तो अगस्त के टाइम पे जो मैंने अपने इंस्टीट्यूट में फॉल देखा कि बरसात का मौसम आ गया अगस्त सितंबर तक मैं काफी ज्यादा सोच रहा था अक्टूबर में आई थॉट कि चलो लेट्स डू नेटवर्क मार्केटिंग मैं करता हूँ तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर आई एक्चुअली वेंट इन द सेमिनार्स एंड ट्रेनिंग्स की क्या चल रहा है क्या नहीं हो रहा कुछ लोगों से बात भी करी आई डेंट गेट मच रिजल्ट बिकॉज स्टार्टिंग में जैसे मैं लोगों को बताता हूँ कि क्या सही तरीका है क्या गलत तरीका है बट अक्टूबर आई थिंक दैट वॉज टू थाउजेंड के अंदर आई डिट दैट जनवरी फेबररी मार्च वॉज अ टाइम जब मैंने अपनी एजुकेशन के ऊपर ध्यान दिया नेटवर्क मार्केटिंग में जब मुझे ये समझ आया कि आप किसी भी बिजनेस के अंदर एंटर करते हो आप उसे सीख के एंटर करते हो नेटवर्क मार्केटिंग को आप बिना सीखे एंटर नहीं कर सकते जनवरी फेबर मार्च आई फोकस्ड ऑन ट्रेनिंग माई सेल्फ बिकॉज जो मेरे कोचेज रहे जो मेरे मेन्टोर्स रहे हैं वो बहुत अच्छे रहे हैं तो उन्होंने जब मुझे गाइड किया जैसा गाइड किया अगर उन्होंने मुझे बोला कि दिस इज द ट्रेनिंग विच यू नीड टू डू आई विल डू दैट तो वहां पर मेरा फोकस ये था कि अगर मैं एक फील्ड के अंदर गया हूं ना तो मुझे उसमें सक्सेसफुल होना है मुझे यह नहीं होना कि भाई मैं आ गया और मतलब ठीक है फिर मैंने नहीं किया hmm. लोग ऐसा करते हैं हाँ जी हमने किया फिर हमने नहीं किया अगर मैंने इंस्टीट्यूट बिजनेस में एंटर किया मैंने वहां पे जो सोचा जितना सोचा उससे अच्छा किया मैं नेटवर्क मार्केटिंग में गया अगर वैसे रिजल्ट नहीं आ रहे जैसे मैंने सोचा तो कहाँ पर गलती हो रही है वो हमने ट्रेनिंग ली सो दिस इज उस टाइम पे मैं ना वेबिनार्स बहुत करता था लोग अब वेबिनार करना शुरू उन्होंने किया मैं तब करता था ठीक है तो आई यूज टू डू वेबिनार्स एट दैट टाइम

एंड इट वॉज एक्सपोनेशियल क्योंकि नेटवर्क uh, मार्केटिंग काम ही ऐसे करता है कि एक्सपोनेशियल ग्रोथ होती है hmm. अगर आप ढंग से पांच लोगों पर भी मेहनत करो hmm. और वो मल्टीप्लाई कर जाए तो आपका चेक तो मल्टीप्लाई करेगा ही करेगा एंड दिस इज वट है फर्स्ट चेक वॉज लाइक सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड टी डी एस फिर सोलह हजार फिर बाईस हजार फिर उनतीस हजार फिर इस तरीके से नेक्स्ट चेक वॉज डायरेक्टली सेवेंटी सेवन थाउजेंड फिर लाख रुपए से ऊपर हो गया hmm. फिर सवा लाख हुआ फिर डेढ़ लाख हुआ अब लोगों को एक्चुअली हजम नहीं होता hmm. कि हाउ उसका एक सिंपल सा रीजन है नेटवर्क मार्केटिंग में जितने भी जो ज्यादातर लीडर्स होते हैं ना वो अपनी रिक्रूटमेंट uh, को रोक देते हैं दे फोकस ऑन दैर डेप्थ एंड देट इज वेरी गुड यू शुड फोकस ऑन द बट यू शुड ऑलवेज डू रिक्रूटिंग एंड दिस इज वर्ड लर्न की अगर पूछू तो रिक्रूटमेंट करता रहा ना सला कोई लेवल नहीं है जो अचीव नहीं होगा यह समझ आ गया था तो मैंने वही चीज करी रिक्रूटमेंट करी टीम को सिखाया रिक्रूटमेंट कैसे करनी है एंड वी हैड अ मैसिव ग्रोथ सो नेटवर्क मार्केटिंग के फर्स्ट ईयर में ही आई डिड गुड अचीवमेंट्स मैंने जैसे बताया क्लब हो गया यूरोप ट्रिप्स हो गए जो डोमेस्टिक ट्रिप्स होते थे वो क्वालिफाई कर दिए तो फर्स्ट ईयर में ही जैसे uh, लोग नेटवर्क मार्केटिंग में देखते हैं मैंने उस टाइम पर ही नेटवर्क मार्केटिंग की कमाई से एक गाड़ी खरीद ली जैसे फोर्थी को खरीदी थी तब उसके बाद अचीवमेंट्स रुकी नहीं चेक्स बढ़ते चले गए मतलब जो डेढ़ दो लाख था वो दो लाख से ऊपर ढाई लाख तीन लाख साढ़े तीन लाख चार नेटवर्क so, मार्केटिंग uh, के अंदर डेढ़ साल के अंदर अंदर अगर मैं बात करूं, so, मेरी अचीवमेंट बहुत अच्छी चल रही थी जितने भी ट्रिप्स होते थे, जैसे, आ, अमेरिका के ट्रिप्स कर दिए के आए, वो मैंने कर दिए, जो भी ट्रिप्स आते थे I, I qualified all the trips. And, uh, जो के अंदर इंसेंटिव होते थे जैसे गाड़ी के इंसेंटिव होते हैं गाड़ी uh, कंपनी देती है वो सब भी हो गया सो आई वॉज वेरी फास्ट लोग अनकन्वेंशनल चीजों को uh, मतलब एक्सेप्ट नहीं करते कि इतनी जल्दी कैसे हाउ अ ट्वेंटी ईयर्स यंग बॉय इज डूइंग एवरीथिंग एंड सो फास्ट हम इतने बड़े हो गए हैं हम इतने साल लगा चुके हैं कोई इंसान इतनी जल्दी कर कैसे रहा दैट वॉज अ क्वेश्चन एंड यू नो ऑल द ट्रॉफीज ऑल द जो मुझे मेडल्स मिले जो मेरे को रिकग्निशन मिली जो पिन मिली वो सब ऑलरेडी देर इज ऑन इंटरनेट इफ़ पीपल विल रिसर्च अबाउट इट दिल गेड क्योंकि नेटवर्क uh, मार्केटिंग में वैन आई यूज टू गिव प्रेजेंटेशन में दिखाया भी करता था कि भाई देखो ये ये हमने किया है एंड hmm. आप अपनी अचीवमेंट को दिखाते भी हो नेटवर्क मार्केटिंग में बिकॉज यू इंस्पायर ऑफ पीपल वेन वी कैन डू इट यू कैन डू इट टू एंड उससे हुआ क्या कि मेरी टीम के अंदर भी बहुत सारे अचीवर्स आ गए अब एवरीथिंग वॉज गोइंग वेरी गुड ठीक है अब डेढ़ साल के अंदर अंदर मतलब आई अ गुड लेवल देन अगेन लेबर टू लीडरशिप आप काम कर रहे हो बहुत बढ़िया मैं अपनी रिक्रूटमेंट को नहीं रोक रहा मेरी रिक्रूटमेंट चल रही है बट जो अब लोग हैं उनको आगे बढ़ाना है सो आई फोकस्ड ऑन माई लीडर्स एंड माई लीडर्स जो साथ में थे मैंने फोकस किया यार ठीक है जो तुमने किया उन्हें करना है। तो आई मेड माई लीडर्स क्वालिफाई फॉर इंटरनेशनल ट्रिप्स फॉर कार प्लान ठीक है जो अगर हम बोलते हैं तीन चार लाख रुपए की इनकम जो लोगों को बहुत ड्यूक्रेटिव लगती है तो मतलब आज के लिए वो बड़ी बात नहीं है तो बट उस टाइम पर बड़ी बात थी तो वो लोगों को हमने अचीव करवाई ठीक है जो लोगों के लग्जरी गाड़ियों का सपना होता है वो पूरा हुआ जो लोगों का लग्जरी सुपर बाइक्स का सपना होता है वो पूरा हुआ तो हमारा फोकस ये रहता था कि लोगों के सपने पूरे हों एंड डेफिनेटली अगर हमने कोई अचीवमेंट करी तो वी वी शोड टू पीपल बिकॉज दैट इंस्पायर्स पीपल क्योंकि मुझे भी कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में वो चीजें इंस्पायर करती थी तो वी ऑन डूइंग दैट अब इन जस्ट वन एंड हाफ ईयर्स आई से कि ठीक है बढ़िया चल रहा है उसके बाद हमने दूसरी गाड़ी खरीदी मैंने नेटवर्क मार्केटिंग में तीन साल मैंने काम किया मैंने तीन साल में तीन गाड़ियां खरीदी नेटवर्क मार्केटिंग से मतलब मैं कहूंगा उसी के पैसे से मतलब फायदा क्या क्योंकि कंपनी आपको पैसे दे रही है जो जैसे कार प्लान वगैरह सब कुछ हो रहा है उसका रीजन बताऊंगा मैं तो चेयरमैन क्लब जो होता था वो चेयरमैन क्लब पहले साल मैंने बेस बनाया दूसरे साल और तीसरे साल आई वॉज इन अ चेयरमैन क्लब तो कंपनी के टॉप लेवल टॉप अर्नर्स की लिस्ट में मेरा नाम आता था तो लोगों को वहीं पे वही चीज़ इतनी ज़्यादा इंस्पायरिंग लगती थी कि 20 21 साल डेफिनेटली कोई बच्चा अगर इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है हाउ तो हाउ वॉज अ क्वेश्चन एंड उस टाइम पर ही मैंने ट्रेनिंग्स देना शुरू कर दिया नेटवर्क मार्केटिंग की तो uh, मैं अपनी टीम के अलावा भी ट्रेनिंग्स देता था एंड लोगों को वो ट्रेनिंग्स इतनी अच्छी लगती थी मतलब मेरी ट्रेनिंग के लिए वहाँ पर जब भी होती थी तो मतलब देर वॉज लाइन्स मतलब दूर दूर तक लाइन लगती थी कि ट्रेनिंग्स में लोग आ रहे हैं आज ये वाली ट्रेनिंग हो रही है एंड दिस हैपेंड बिकॉज एक समझाने का तरीका एक बोलने का तरीका जो एक लहजा है जो आप टेक्निक बताते हो आप कर रहे हो आप टेक्निक बताते हो mm. तो वो इट अपील टू पीपल सो मच दैट लोग बहुत ज्यादा मोहब्बत करना शुरू कर दिया mm. उसके बाद एंड जहां पे भी मैं जाता था एवरीबडी न्यू अबाउट मी बिकॉज आप एक तो टॉप लेवल पे आ रहे हो आपका नाम आ रहा है एवरीबडी नो अबाउट यू सो जब डेढ़ साल के बाद मेरे पास एक इनकम आनी शुरू हुई मेरे लीडर्स ने काम करना शुरू कर दिया अब वो मल्टीप्लाई कर रहे हैं आई हैड टाइम कुछ बड़ा करना है इंस्टीट्यूट चल रहे हैं इंस्टीट्यूट चल रहे हैं फोकस वहां पे थर्टी परसेंट हम नेटवर्क मार्केटिंग में एन ग्राफ की बात करते हैं कि स्टार्टिंग में आपको हंड्रेड परसेंट मेहनत करनी पड़ेगी जीरो परसेंट पैसा आएगा hmm. फिर आप जीरो परसेंट मेहनत भी करोगे तो हंड्रेड परसेंट पैसा आएगा पैसा आ रहा है बट hmm. अब क्या है कि अब कुछ और बड़ा करना है आई एक्सप्लोर डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज एट दैट टाइम तो तभी से अभी जैसे हमारा फास्ट ट्रैक मिले ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है मैं लोगों को अभी भी सिखा रहा हूँ लोग रिलेट कर पा रहे होंगे कि उस टाइम की जो मेरी रिसर्च है डिजिटल ऑन स्पनॉरशिप के ऊपर यूट्यूब के ऊपर इतने तरह के जो फील्ड के ऊपर जो हमने काम किया वो तब की रिसर्च मैंने अभी भी दिखाई हुई है लोगों को बता रहा हूँ कि देखो ये मैंने तब रिसर्च करी थी 2017 में 2018 में ये सब मैं उस टाइम पे रिसर्च करता था और इससे मैंने ये बिल्ड किया तो आई स्विच्ड एट दैट टाइम मैंने और भी काम करना शुरू करे मेरी ट्रेनिंग स्कूल्स कॉलेज में तब भी चल रही थी ठीक hmm. है डिफरेंट uh, पब्लिकेशंस में हमारे वर्कशॉप्स के बारे में आने लगे में, हमने कहीं करते थे, तो क्योंकि, uh, लोग जुड़े हुए थे hmm. तो वो वैसे ही छाप देते थे तो बट तो, hmm. तब तक मैं यूट्यूब पे नहीं था टॉक so, बहुत ही हो रहा है आप सब को बहुत मजा आ रहा होगा uh, पुष्कर जी से ये सारे जो हम सवाल पूछ रहे हैं और इनकी लाइफ की जर्नी जो कि इतनी इंटरेस्टिंग रही है इतनी क्यूरियोसिटी बेस्ड रही है सो वी वॉन्ट टू नो कि जब आप इतना अच्छा कर रहे थे नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर एंड आपका इंस्टीट्यूट बिजनेस वॉज ग्रोइंग सो so, वी वॉन्ट टू नो कि आपने uh, इंस्टीट्यूट बिजनेस भी बंद कर दिया एंड उसके साथ साथ नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस भी बंद कर दिया सो आई वॉन्ट टू नो द मेन रीजन एंड ऑल्सो बहुत से लोग ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं मुझसे कि मैम सर ने, ने नेटवर्क मार्केटिंग करना क्यों बंद कर दिया राइट सो so, यहाँ पे आप लोगों को मैं आज एक रियलिटी बताऊँगा आई वॉज लिविंग इन डेली तो मैंने अपनी कंपनी खोली एंड कंपनी जो मैंने खोली वो ड्रीम फायर प्रोडक्शन मैंने ओपन करी ड्रीम फायर प्रोडक्शन जब मैंने ओपन करी तो दैट कंपनी वॉज इन गुरगांव तो मेरे साथ जो और भी लोग थे जो हम साथ में बिल्ड कर रहे थे तो वो ज़्यादातर लोग गुड़गांव से थे एंड मैं डेली से था तो मेरा दिल्ली से गुरगांव अप डाउन इतना डिफिकल्ट हो रहा था मतलब क्योंकि आपको अगर पता हो कि बहुत ज्यादा ट्रैफिक होता है सुबह सुबह hmm. मैं सुबह घर से लिटरली सिक्स ओ क्लॉक निकल जाता था क्योंकि मुझे पता था अगर मैं सात बजे निकला तो मुझे दो घंटे से ऊपर लगेंगे पहुंचने में और अगर मैं छह बजे निकला तो मैं फोर्टी फाइव मिनट्स में पहुंच जाऊंगा एंड वी वर बिल्डिंग समथिंग ह्यूज वो भी मैं आपको बताऊंगा आगे कि वॉट वी वर बिल्डिंग तो उस टाइम पे जब मैं पहली बार जब साइबर सिटी के अंदर एंटर हुआ मैं मेरा माइंड ऐसे एक्सप्लोर हुआ शुभ मैंने कहा यार कितनी पॉसिबिलिटी है दुनिया में तुम कहाँ अटके पड़े हो तुम जितना जहां तुमने भी एक्सप्लोर किया ही नहीं है चीज़ों को उस टाइम पे मेरे जो और क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग से मेरे बहुत सॉलिड कनेक्शन बने मैं लोगों को प्रॉस्पेक्ट जब करता था तो कोई कुछ कर रहा है कोई किसी कंपनी का मालिक है कोई कुछ कर रहा है तो उस टाइम पे मेरे जो लिंक्स बने वो ऐसे ऐसे लोगों से बने जो ऑलरेडी मेरे से बहुत ऊपर थे जो सौ करोड़ पाँच सौ करोड़ हज़ार करोड़ दस हज़ार करोड़ के लोग थे उनसे मेरे कनेक्शंस बने एंड उनके साथ हम कुछ बिल्ड कर रहे हैं एंड देन दे आर लिविंग इन गुरगांव आई वॉज लिविंग इन डेली मैं छः महीने तक अप डाउन कर रहा हूँ बट उसके बाद मैंने डिसीजन लिया मैं गुरगांव में घर लूँगा आई विल शिफ्ट टू गुरगाव एंड दैट वॉज अ ड्रास्टिक डिसीजन बिकॉज मेरे सिस्टर का कॉलेज वॉज इन डेली माई ब्रदर वॉज इन स्कूल जो डेली में था ठीक है मेरे फादर का बिजनेस वैसे तो बिजनेस उनका कुछ चल नहीं रहा था खास उस टाइम पर बट एवरीथिंग वॉज देयर इन डेली

तो अब मुझे प्रोस्पेक्टिंग जो करनी है क्योंकि ज्यादातर लीडर्स भी दिल्ली से थे खैर बाहर से भी थे अब कोई मुझे कह रहा है जी बिहार आ जाओ ठीक है कोई मुझे कह रहा है उड़ीसा आ जाओ कोई मुझे कह रहा है कि पंजाब आ जाओ और जैसे दो तीन दिन ट्रैवलिंग में लगते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के लीडर्स मेरे से रिलेट करेंगे ठीक <laughs> है वो ट्रैवलिंग कर रहे हैं ट्रैवलिंग मैं कर रहा हूँ उसके साथ साथ मैं कुछ बिल्ड कर रहा हूँ एंड फिर मेरे इंस्टीट्यूट चल रहे हैं सो मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो गया उस टाइम पे कि यार पुष्कर वट यू रियली वांट टू डू अब तू यहाँ पे डिसाइड कर ले किधर वो करना क्या बिकॉज यू कैन नॉट डू एवरीथिंग टली exactly. आज तूने एक कंपनी के अंदर मेरी इन्वेस्टमेंट पैंतीस लाख रुपए की लगा दी उस टाइम पे पैंतीस लाख रुपए बहुत बड़ी अमाउंट था आज के लिए मेरे लिए कुछ नहीं है ठीक है आज के लिए हो सकता है तीन दिन की इनकम हो बट उस टाइम पे थर्टी फाइव लाख रुपीज मैंने एक जगह पे इन्वेस्ट करे ठीक है मेरे ऑफिस के एक्सपेंसिस है मेरे पास अभी पच्चीस एम्प्लॉज इन्हें सैलरी देनी है मेरे ऑफिस में पच्चीस एम्प्लॉयज थे तब जब मैंने शुरू किया था उनको सैलरी देनी है ये जो काम कर रहे हैं अगर ये मैं ऑफिस से चला जाता हूँ तो पीछे काम नहीं करते थे ठीक है अगर मैं ऑफिस में नहीं हूं तो मैंने एक प्रोजेक्ट दिया मस्ती मार रहे हैं पिज्जा पार्टी कर रहे हैं बट वो काम जो मैं देखे गया वो हुआ नहीं अच्छा नेटवर्क मार्केटिंग चल रहा है इंस्टीट्यूट चल रहा है उस टाइम पे हुआ क्या बिकॉज आई हैड गुड कनेक्शन मैं कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स भी करना मैंने शुरू कर दिया था तो मारुति सुजुकी में ट्रेनिंग हो रही है अलग अलग कॉर्पोरेट में ट्रेनिंग हो रही है तो आई गॉट सम ऑफर्स फ्रॉम कंपनीज जो नेटवर्क मार्केटिंग की ही थी एंड uh, उसी टाइम पे मैंने अपना यूट्यूब पे जो मैं uh, ट्रेनिंग ऑफलाइन में देता था मुझे जैसे क्योंकि आई वाज एक्सप्लोरिंग अ डिजिटल फील्ड तो पहले तो खुद तो करना पड़ेगा ना आप खुद किसी चीज़ में सक्सेसफुल नहीं हो आप कैसे किसी को सिखा सकते हो तो uh, अगर मैं डिजिटल फील्ड के अंदर जा रहा हूँ तो पहले तो मैं खुद उसे एक्सप्लोर करूँ मैंने अपना चैनल बिल्ड किया मैंने कार्टून चैनल बनाए हमारे म्यूजिक के अंदर चैनल है आए so, उस टाइम पे पहले मैंने टैलेंट वुड प्रोडक्शन शुरू किया था उसके बाद ड्रीम फार प्रोडक्शन ये भी एक जर्नी है कभी मैं आपको बताऊंगा क्योंकि करा इतना कुछ है बताने के लिए बहुत कुछ है तो उस टाइम पे एक जगह इन्वेस्टमेंट है एम्प्लॉयज है सब कुछ है एंड आई वाज गेटिंग ट्रेनिंग जो मेरे को अलग अलग कंपनीज से आ रही थी तो उस टाइम पे मुझे एक नेटवर्क मार्केटिंग ट्रेनिंग ट्रेनिंग के लिए ऑफर आता ठीक है जी मेरे को ऑफर आता है मैं सबसे पहले मेल डालता हूँ अपनी जिस कंपनी में मैं था कि भाई ऐसे ऐसे एक ट्रेनिंग करना है हमें दूसरी कंपनी में एंड जब मेरी मैनेजमेंट से बात होती है जो भी बात होती है तो वहाँ पे क्लियर उनकी गाइडलाइंस होती हैं इफ़ यू आर डूइंग दिस कंपनी इफ यू आर गेटिंग इनकम फ्रॉम दिस कंपनी आप कोई भी और ट्रेनिंग नहीं कर सकते okay. आप किसी और कंपनी में ट्रेन नहीं कर सकते मतलब अगर आप एक कंपनी के अंदर हो तो आप दूसरी कंपनी में ट्रेनिंग के लिए नहीं जा सकते ये मतलब क्लियर है एंड दिस इज वॉट ऑल द पीपल टोल्ड जो साथ में थे अपलाइंस थे जो भी थे तो क्ली, उनको क्लियर था कि डोट डू दिस अदरवाइज दे विल स्टॉप यूर चेक फॉर इनकम वो आपकी इनकम वगैरह वो फिर रोक देंगे hmm. तो वहां पर मेरे पास एक क्वेश्चन था hmm. तो करना क्या चाहता है was, uh, I was, लग, अगर मैंने अपने आप से सवाल पूछा कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग क्यों कर रहा हूँ मेरे को पैसे इनकम बिल्ड करनी थी मुझे थोड़ी फ्रीडम चाहिए थी चीज़ों को एक्सप्लोर करने के लिए ठीक है मैंने किया मेरे को मज़ा आता था पब्लिक स्पीकिंग में मैं वो कर रहा हूँ बट यार अभी भी तो मुझे मज़ा आता है पब्लिक स्पीकिंग में तो मैं अपने आप को कन्फाइंड क्यों रखूँ होता क्या था कि मैं कहीं देखो होता क्या है कि आप हर हफ्ते ना एक ही चीज़ के ऊपर ट्रेनिंग कर रहे हो आप लोगों को प्रेजेंटेशन दे रहे हो फिर वही इन्विटेशन सिखा रहे हो फिर वही टेक्निक्स दे रहे हो फिर अपनी टीम को लीड कर रहे हो ये कर रहे हो वो कर रहे हो आप एक जैसा काम कर रहे हो एंड नाउ आई वॉन्ट एक्सप्लोर मोर ठीक है एंड uh, उसमें कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज थी जो आउट ऑफ इंडिया से भी थी बिकॉज यू ऑलरेडी नो कि मैं बहुत ज़्यादा अब्रॉड ट्रेवल करता था अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, <laughs> <laughs> तो uh, मतलब एवरी uh, आप देखोगे हर कुछ महीने के बाद आप मुझे किसी ना किसी दूसरी कंट्री में पाओगे तो आई वॉज गेटिंग सो मेनी अपॉर्चुनिटीज तो वहां पे एक रिस्ट्रिक्शन ये थी कि आप एक कंपनी के अंदर हो आप दूसरी कंपनी का नाम भी नहीं ले सकते उसे प्रमोट भी नहीं कर सकते जो कि मैंने कभी भी नहीं किया मैंने आज तक अपनी कंपनी का नाम प्रमोट नहीं किया तो वाई शुड आई प्रमोट अ कंपनी तो मैंने वहां पर ये वाली बात भी बोली कि भाई मैं तो सिर्फ स्किल ट्रेनर हूँ मैं स्किल ट्रेनिंग करता हूँ तो मैं टेक्निक सिखाऊंगा आई विल नॉट प्रमोट अ कंपनी बट दैट वॉज क्लियर नो देर है डिसीजन किया और मेरे को एक ट्रेनिंग करने के जहाँ पे लाखों रुपए मिल रहे हैं एक ट्रेनिंग करने के मुझे लाखों रुपए की इनकम आ रही है महीने की बट मैं एक ट्रेनिंग कर रहा हूँ मुझे लाखों रुपए मिल रहे हैं एंड मैं कन्फाइंड हूँ आ, uh, मुझे कई महीने लगे अपने आप से इस चीज़ के ऊपर बात करने पे वो वाला प्रपोजल हमने कैंसिल कर दिया बट अगेन आई वाज गेटिंग प्रपोजल फ्रॉम डिफरेंट कंपनीज क्योंकि आपकी एक प्रोफाइल ऐसी है कि आप एज अ ट्रेनर हो तो आपको दुनिया बुलाती है सो so, मैं और कंपनीज में नहीं जा सकता ठीक है जी आपने बोला ऐसा मैंने कई महीने सोचा उस टाइम पर शुभी जो ये बैंग बैंकों नेटवर्क मार्केटिंग आज लोगों को मेरा कोर्स पता है मैं आपको बताना चाहूँगा मैंने बीच में ना टाइम निकाला ठीक है ड्रीम फायर प्रोडक्शन चल रही थी नेटवर्क मार्केटिंग चल रही थी इंस्टीट्यूट चल रहा था अब मैं इतना ज्यादा एंगेज था मैंने फाइनल शॉट खेला फाइनल शॉट क्या खेला मैंने कहा यार अब क्या करना है मैं वो बताता हूँ मुझे ना ने नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ इतना बड़ा करके जाना है जैसे स्टीव जॉब बोलते हैं ना मेक अ डेंट इन द यूनिवर्स एक साला डेंट मारो यूनिवर्स के अंदर कुछ ऐसा इतना बड़ा कुछ करो कि लोगों को वाइब्रेशन फील हो जाए ठीक है जी मैंने अपने लिए एक प्लान बनाया क्योंकि उस टाइम पे क्या हुआ जब आई शिफ्टेड टू गुरगांव माय लीडर्स Uh, जो थे जो साथ में थे वो शुरू हो गए और वो मेरे से आगे पूछ रहे हैं कि पुष्कर गिव मी अ प्लान ऑफ एक्शन राइट नाउ अब क्या करना है प्लान ऑफ एक्शन दो तो जब मैंने सोचा कि ये लोग अब कुछ बड़ा करना चाहते हैं सब भूखे शेर हैं hmm. तो नॉट लेट्स मेक अ डेंट इन मैं आज भी जानता हूं इस चीज को गर्मी का टाइम था वो गर्मी के टाइम पे मैंने एक प्लान ऑफ एक्शन बनाया जिसका नाम मैंने रखा बैंग ऑन इन नेटवर्क मार्केटिंग अपना प्लान ऑफ एक्शन अपनी टीम के लिए प्लान ऑफ एक्शन उस टाइम पे मैंने अपनी टीम के लिए एक ट्रेनिंग डिजाइन करी कि ये करना है एंड यू नो व्हाट ठीक है मैंने अपने ऑफिस के अंदर अपना जो कह सकते हो मैनेजिंग डायरेक्टर हायर किया मैं लाख रुपए की सैलरी दे रहा हूं इंस्टीट्यूट की परफॉर्मेंस डाउन हो चुकी थी क्योंकि मैं ध्यान नहीं दे रहा था क्योंकि आप जहां पर फोकस करते हो वो चीज बढ़ती है hmm. मैंने कहा क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग अगर आप एक बार फोकस कर दोगे वो बढ़ेगा एंड इन लोगों की हेल्प हो जाएगी तो लेट्स गिव अ फाइनल शॉट मैंने बैंगों ने नेटवर्क मार्केटिंग का खुद का एक्शन प्लान बनाया एंड मैं आपको बता रहा हूँ मैं गुरुगांव से निकलता था ड्राइवर के साथ मैं गाज़ियाबाद गया मैं नोएडा गया गलियों के अंदर गया मैं तो सूट हमेशा से ही पहनता हूँ जब से मैंने ट्रेनिंग इंडस्ट्री के अंदर एंटर किया तब से मैं सूट पहन रहा हूँ तो सूट पहन के गर्मी के अंदर मैं घर घर जाके कर वहाँ पर ट्रेनिंग कर रहा हूँ होम बेस्ड मीटिंग्स कर रहा हूँ लोगों को वहाँ पे ट्रेनिंग्स दे रहा हूँ एंड लोगों को जो मेरे साथ लीडर्स हैं उनकी उनकी मैंने एक चीज वहां पे कंसेप्ट निकाला था डिग द वेल कुआं खोद दो साला हम प्रोस्पेक्ट कर रहे हैं हम रिक्रूटमेंट कर रहे हैं बट जिसे रिक्रूट कर दिया ना उसे नहीं आता काम वो करेगा भी नहीं जब तक उसको चेक नहीं आएगा उससे बोलो कि आपने किसी बेस्ट फ्रेंड से मिलवा मैं चल रहा हूं तेरे साथ आप चलो आप जाओ और जिसे आपने रिक्रूट किया उसे बोलो जाओ तीन लेवल डाउन हमने जाना है किसी भी बंदे को हम ज्वाइन कराएंगे विद इन अ वीक हमें तीन लेवल डाउन जाना है

जब मैं ये डिसीजन ले रहा था कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करूंगा और मेरा सबसे ज्यादा चेक भी उसी टाइम पर आया मतलब मेरा चेक हाइएस्ट था जब मैंने सोचा कि अब आगे अगर मुझे एक्सप्लोर करना है आई कैन नॉट डू इट तो मैंने टीम को एक सिस्टम दिया मैंने सिस्टम दिया मैंने कहा देखो दिस इज अस्टम नाउ यू डू इट मैंने अपलाइन से बात करी देखो भाई मैं आया था मेरा रीजन ये था कि मुझे पैसे इनकम बिल्ड करनी है मैं आया था मेरा रीजन था मुझे पब्लिक स्पीकिंग में मजा आता है और अगर कोई चीज़ मेरे को जो मैं बड़े लेवल पे करना चाहता हूँ मास लेवल्स पे करना चाहता हूँ अगर वहां पे एक कंस्टेंट uh, आ रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता वट एवर इनकम आई वॉज गेटिंग तो मैंने वहाँ पे डिसीजन लिया मैंने अपलाइंस को बोला देखो भाई इफ आई एल नॉट वर्क आपको आज भी अगर मैं एक्टिव क्वालिफिकेशन करना शुरू कर दूँ तो इनकम आएगी क्योंकि ऐसा मेरे पास कोई मेल नहीं आया कंपनी से रिवर्ट कि भाई कोई दिक्कत है आपको बट एनी आई एम टेलिंग यू तो उस टाइम पे मैंने बोला अगर मैं एक्टिवली जो मुझे रिक्रूटमेंट करनी है जो मुझे काम करना है अगर मैं वो नहीं करूंगा कुछ आप सबको पता है सारा हर कंपनी में कुछ ना कुछ बेसिक होता है तो वो मुझे नहीं आएगा वो आपको पास ऑन हो जाएगा एंड मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता मैंने अपने अप्लायंस को ये चीज क्लियर बोली मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता जो मैं अगर मैं अपना देखो मेरे नीचे बेस है मैं अगर अपना कड़ी से निकाल रहा हूँ तो जो इनकम है आपको ट्रांसफर हो जाएगी दूसरी चीज उस टाइम पे आपको पता है आपके फादर से भी बात चल रही थी शादी के लिए तो बहुत सारी चीजें होती हैं देखो जब आपको शादी करनी होती है आपको अपना एक बेस बनाना होता है बहुत सारी चीजें होती हैं तो कुछ चीजें पर्सनल भी हैं यहाँ पे जो उस टाइम पे मेरे सामने आई जो पर्सनल चीजें हैं विच आई वुड नॉट लाइक टू तो डिस्कस तो बहुत बातें हुई तो आई फाइनली टूक अ डिसीजन कि भाई आप अपलाइन हो आपको इनकम जाएगी आप मेरी टीम को संभालना और मेरी क्या आप ही की हो जाएगी आई विल नॉट गेट द चेक मेरा सारा चेक आपको ट्रांसफर हो जाएगा ओके आई एम ओके वे इट, आई एम ओके वे इट, सो यू फोकस ऑन दैट टीम के साथ इस तरीके से मैंने डिसीजन uh, लिया बहुत सारे लीडर्स उस वक्त मतलब इमोशनल भी हुए कुछ लोगों ने ये वाली बात भी बोली कि भाई वी वांट योर सपोर्ट एंड कुछ लोग ऐसे थे जो जिन्होंने बोला कि पुष्कर वडेवर यू विल डू हम वही करेंगे तो उसमें से कुछ लीडर्स मेरे साथ मेरी कंपनी में आज भी काम कर रहे हैं जिन्हें मैं लाखों रुपये की सैलरीज भी देता हूँ तो इसमें कोई डाउट नहीं है तो क्योंकि शब्द विजन बहुत बड़ा था एक तरफ मुझे दिख रहा था कि मैं ठीक uh, है चार पाँच लाख रुपए की इनकम है दूसरी चीज इंस्टीट्यूट बिजनेस की बात करता हूं सेम मैंने डिसीजन लिया क्योंकि मैं ध्यान नहीं दे पा रहा हूं ठीक है देखो पेरेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जो बच्चे को सिखा रहे हैं उनकी अगर कंप्लेन्ट्स हैं hmm. और आप उन्हें नहीं सुनोगे तो पेरेंट्स को कुछ चाहिए होता है और वहां पे सब मुझे जानते हैं hmm. मैंने बिल्ड किया बेस hmm. लेवल से वो मैनेजर से रिसेप्शनिस्ट से टीचर से बात नहीं करना चाहते वो ओनर से बात करना चाहते हैं ठीक है तो मैंने वहां पे ये डिसीजन लिया मैंने कहा कि मेरा जो ब्रांड नेम है मैंने अपने मैनेजर्स को बोला देख भाई जैसा चल रहा है जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जो भी मैंने बिल्ड किया हुआ है सारे इक्विपमेंट्स है, hmm. है, है सब कुछ है फर्नीचर है सब कुछ है आई एम नॉट टेकिंग एनीथिंग ठीक है आई एम नॉट टेकिंग एनीथिंग ये सारे बच्चे हैं ये बच्चे आप ले लो यू फोकस ऑन दिस एंड आप बस इन्हें बेस्ट सर्व करो दिस इज़ वॉट आई वॉन्ट एंड शुभ मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि कुछ लोगों की मैंने लिटरली मेरे को ऐसा लगता है कि मैंने जिंदगी बनाई है क्योंकि जो रिसेप्शनिस्ट मेरे यहाँ कुछ हज़ारों की नौकरी करते थे आज वो लाखों में कमा रहे हैं ठीक है हाँ वो डेफिनेटली काम कर रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जो टीचर्स थे मेरे आज उन सबके बाद अपने इंस्टीट्यूट से हैं। hmm. तो मैंने बोला बस मेरा ब्रांड नेम आप यूज नहीं करोगे क्योंकि मुझे नहीं पता आप इसके बाद क्या क्वालिटी दोगे hmm. तो मेरा ब्रांड नेम खराब भी हो सकता है बढ़ भी सकता है मुझे नहीं पता तो ब्रांड नेम आई विल नॉट अलाउ यू टू यूज बट यू डू इट मतलब आप सारे स्टूडेंट्स ले लो जो फीस आ रही है जो आ रहा है एवरीथिंग यू विल टेक फ्रॉम दिस वेरी डे तो मेरा नेटवर्क मार्केटिंग से स्विच करने का और इंस्टीट्यूट बिजनेस से स्विच करने का ऑप्शन वॉज लाइक दिस बट सवाल पता है क्या होता है हमेशा मैं आप सबको बताऊंगा एक इंसान ने स्विच किया आप कहोगे मैं बेवकूफ हो सकता हूँ सवाल यह क्या उसने ग्रो किया या वो नीचे आ गया राइट मैंने अगर लाखों की इनकम छोड़ी तो क्या मैं करोड़ों पे पहुंचा या फिर मैं लाखों की इनकम छोड़ के और डाउन हो गया द आंसर इज मैंने उसके बाद जो किया दैट इज हिस्ट्री आई गॉट सो फ्री ठीक है भाई मतलब वहां पर दिक्कत क्या थी नेटवर्क मार्केटिंग में, में मेरे मेरे अंदर से जमीर वाली आंसर दे रहा था क्योंकि बहुत सारे लोग आज भी मुझे बोलते हैं कि हमें नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करनी है आपके साथ एंड यू नो आई डो नॉट प्रमोट एनी कंपनी नाउ तो मैं कुछ भी ऐसा नहीं करता और उस टाइम पे भी जब मेरे साथ जो प्रोस्पेक्ट है मैंने एक चीज बोली अगर पूछकर तू किसी प्रोस्पेक्ट को ज्वाइन कराएगा तेरा ही प्लान ऑफ एक्शन जो ये कहता है कि किसी को ज्वाइन कराओ और उसके नीचे तीन लेवल पे जाके उसका कुआं खोद दो तो आज क्या तू सही में तीन लेवल जा सकता है अगर तू किसी को ज्वाइन कराएगा तो किसी के साथ हमें ऐसा करना ही नहीं है अगर मैं किसी को ज्वाइन कराता हूं आप में से हजारों लोगों ने मुझे मेल करे हैं मैसेजेस करे हैं कि हमें आपके साथ ज्वाइन करना है मजा लोग मैं उसे एकदम से एडवांटेज ले सकता हूं भाई आज अगर मेरे पास एक हजार लोग आ जाएं और मैं बनाना शुरू करूं अपना नेटवर्क तो मैं क्या नहीं कर सकता इट्स वेरी इजी आई थिंक बिकॉज़ वी ऑल हैव सीन कि आपका ग्राफ हमेशा ऐसे गया है लाइक इफ यू हैव इवन स्विच्ड थ्री बिजनेसेस सो वी हैव सीन कि आपका ग्राफ जो ग्रोथ का प्रोस्पेक्ट है वो हर किसी इंसान के साथ सेम नहीं रहता सो इट्स बीन लाइक Uh, हर बिज़नेस के अंदर हम देखते हैं कि हर बिजनेस के प्रोज भी होते हैं कॉन्स भी होते हैं तो हमें देखना होता है कि हम प्रोज़ को चुन रहे हैं या कॉन्स को चुन रहे हैं सो आई थिंक इट्स बीन लाइक हमने देखा है कि अगर आपने आप आज डिजिटल बिज़नेस जो आप कर रहे हो सो दिस इज़ अ वेरी नाइस बिजनेस और अभी ये एज है इस बिज़नेस की तो हर बिजनेस का एक टाइम होता है एक टाइम पीरियड होता है जिस टाइम पीरियड में हम उस बिजनेस के अंदर घुस जाते हैं तो दैट्स द बेस्ट सो हेयर कम्स आ नेक्स्ट क्वेश्चन सो आई वॉन्ट टू आस्क मतलब वाई डिड यू चूज डिजिटल फील्ड लाइक देर आर सो मेनी फील्ड इन द मार्केट एंड वी नो कि अगर हम रिसर्च करने जाए तो वी नो कि यहाँ पर भी हमारे पास बहुत अच्छी ऑपरचुनिटी है हमारे पास एम्पल नंबर ऑफ ऑपरचुनिटीज है इस ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी में सो आई वॉन्ट टू नो एंड बहुत से लोगों ने ये क्वेश्चन पूछा कि सर आपने डिजिटल फील्ड ही क्यों चूज किया शु भी एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन स्टिमस एंड रिस्पॉन्स ठीक है आप जैसे जैसे काम करते हो आप लोगों से मिलते हो सो so, जिन लोगों से मैं मिला सी आई टोल्ड यू आई केम इन टू साइबर सिटी साइबर का मतलब क्या होता है right? right. so, so जो काम कर रहे हैं जो मेरे साथ लोग मिले एसोसिएट हुए देवर इन टू डिजिटल फील्ड एंड दे शोड मी की यार पैसिव इनकम मतलब उससे पहले मुझे ऐसा लगता था hmm. कि पैसिव इनकम जो बिल्ड होती है ठीक hmm. है वो सिर्फ कुछ ही इंडस्ट्रीज़ में हो सकती है बट देन आई फाउंड दैट पैसिव इनकम और भी इंडस्ट्रीज़ में बिल्ड हो सकती है एंड उसे करने का आपको तरीका सीखना है तो आई एक्सप्लोर डिजिटल फील्ड आई एक्सप्लोर डिजिटल कि उस टाइम पे मुझे याद है जैसे मैं ड्रीम फायर प्रोडक्शंस की बात करता हूँ सो वॉट वी आर एक्चुअली डूइंग मैं आपको बताता हूँ हमने मल्टीपल यूट्यूब चैनल शुरू करे था ठीक है मैंने कार्टून चैनल शुरू करे अभी फास्ट ट्रैक मिले ना, कोर्स के अंदर पार्टिसिपेंट्स को पता होगा कि मेरे कौन कौन से और भी चैनल्स हैं जो मैंने कभी बताया ही नहीं आपको तो उस टाइम पे जो मैंने कार्टून्स बनाता था लोगों को मतलब लो, मेरे घर वाले सोचते थे तू पागल हो गया है सब कुछ छोड़ के कार्टून बना रहा है भाई मैं कह रहा हूँ मेरे को स्कोप दिख रहा है भाई मुझे स्कोप दिख रहा है कार्टून में कार्टून कितने बच्चे देखते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड लोग देखते हैं लोग पागल है कार्टून के लिए तो आज कार्टून फील्ड के अंदर आप बढ़िया कर सकते हो

अब वो कार्टून्स की अगर एक इंडस्ट्री थी अलग थी डेफिनेटली लोगों को लगता था पता नहीं तो वो प्रोडक्शन करनी है ना हमें मेरे को समझ आ गया एक इंसान मूवी को प्रोड्यूस करता है वो करोड़ों रुपए कमाता है मूवी एक बार चल रही है ठीक है वो काफ़ी टाइम तक चल रही है इसी तरीके से आपकी जो वेब सीरीज़ हैं या आपकी जो अलग अलग डोमेन्स क्योंकि बहुत सारे हैं तो जिन जिन डोमेन्स को मैंने एक्सप्लोर किया है इंटेड इन टू दो डोमेन्स सो मैंने इतना कुछ किया से एनिमेशन के ऊपर बात करी हमने म्यूज़िक प्रोडक्शन के अंदर काम किया और मुझे म्यूज़िक का कोई ज्ञान नहीं है मुझे कोई ज्ञान नहीं है बट जस्ट एज एन ऑन

Uh, कुछ लोग जैसे रिसर्च uh, करते हैं लोग uh, मेरे बारे में तो उन्हें सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स तो पता नहीं होते कुछ भी बोल देते हैं तो जैसे मैं इसमें बताना चाहूँगा ऐड करना चाहूँगा कि जैसे लोग आर में रिसर्च करते हैं जैसे मेरे डिन नंबर डालेंगे मेरा नाम डालेंगे तो जो मेरी प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज़ हैं या एल हैं देखो कंपनीज कई तरीके की होती हैं ये मैं आपको बता दूँ आपको मेरी प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज़ के बारे में पता लग जाएगा मेरी एल uh, एल के बारे में पता लग जाएगा बट आपको पार्टनरशिप फर्म्स के बारे में नहीं पता लगता देखो पार्टनरशिप फर्म्स में आपके प्राइवेट लिमिटेड से कम सरदर्दी होती है आपके

सब इतना बढ़िया चल रहा है मतलब आज मैंने सब कुछ किया देखो मैं आप आप किसी को किसी की पर्सनल लाइफ में क्यों इतना इंटरेस्ट होगा बट कुछ लोगों को मेरी पर्सनल लाइफ में बहुत इंटरेस्ट है लोग लोग नाम ले ही व्यूज़ एंड फेमस होना <laughs> शुरू हो जाते हैं कि मैं नाम यूज़ करूंगा तो एनी तो यहाँ पे ना आई विल से यू कैन एक्चुअली डायरेक्टली आस्क दीज क्वेश्चन लाइक दिस कि अगर आपको कोई क्लैरिटी नहीं है यू कैन आस्क वट एवर वी हैव डन सो मेनी थिंग्स पीपल हैव नो क्लैरिटी अबाउट इट लोगों को लगता है अरे एज तो सिर्फ पच्चीस साल है mm -hmm. अरे अमानी के बेटे की भी एज अगर इतनी होगी तो तो उसमें फर्क होगा ना mm -hmm. तो एज ड मैटर वट यू हैव डन इन लाइफ दैट मैटर्स हाउ मनी लाइफ इम्पैक्टेड एंड आपको नॉलेज कितनी है ये मैटर करता है mm -hmm. आज मेरा जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है दैट स्पीक्स राइट अभी यहाँ पे एक सवाल आया था मैं यहाँ पे रोक रहा हूँ लोगों ने सवाल पूछा था कुछ कोर्सेज के बारे में एंड बुक्स के बारे में कि व्हाट वी आर एक्चुअली ट्रेनिंग ऑन एंड उसके अंदर कुछ आ, इस तरीके से सवाल था कि आ, लोग जैसे कुछ कमेंट कर रहे थे कि कोर्सेज के बारे में तो मैं एक बात आपको बोलूँगा मैंने आ, बहुत ध्यान से चेक किया

तो मैं ये चीज बोलना चाहूंगा आप कमेंट जरूर करो आप फीडबैक जरूर दो बट फीडबैक तब दो जब आपने वो कोर्स लिया हो right. ये तो बिल्कुल वही बात हो गई कि मैंने कोई मूवी देखी नहीं और मैं मूवी पे ऊपर अपना कमेंट कर रहा हूँ आप रिव्यूज तो सिर्फ तभी दे सकते हो ना जब आपने उस मूवी को देखा हो exactly. अब मैं क्या देखता हूँ कि एक्चुअली जो लोग कोर्स के बारे में या बुक के बारे में बात करते हैं ये वो लोग हैं जिन्होंने वो बुक पढ़ी ही नहीं मेरे हिसाब से वो बुक पढ़ लेते तो उन्हें कुछ सीखने को मिलता है ना तो फिर ऐसी कोई बात ही नहीं करते हाँ आप डेफिनेटली कोई बुक पढ़ते हो या फिर आप कोई कोर्स लेते हो आपको लगता है कि पुष्कर ये जो टेक्निक है ना ये ऐसे काम नहीं करेगी ऐसे ज़्यादा बढ़िया तरीके से काम करेगी बट ये वही लोग बता पाएंगे जिन्होंने खुद एक्चुअल में वो काम किया हो अब अगर मैं प्रोस्पेक्टिंग सिखा रहा हूँ और मेरी प्रॉस्पेक्टिंग की टेक्निक है आप पहले उसे यूज़ करोगे क्योंकि मैंने उसे सैकड़ों लोगों पर यूज़ किया मेरे हिसाब से उसने मुझे रिजल्ट दिए एंड रिजल्ट फॉर वेरी गुड देर फॉर आई टोडेट टू पीपल एंड वो चीज़ जो है ना वो कहीं और मिलेगी ही नहीं क्योंकि वो मेरे अपने एक्सपीरियंसेस हैं मेरी अपनी टेक्निक है मेरे अपने वर्ड्स हैं जो मैं यूज़ करता था hmm. तो वो चीज़ें आपको कहाँ से ही मिल सकती हैं कहीं से नहीं मिल सकती तो मैं बोलता हूँ यहाँ पे हमारे जैसे मैंने बताया कि प्लेटफॉर्म पर थर्टी लर्नर्स हैं आज तक शुभी बिकॉज द कोर्सेज़ आर सो कॉम्प्रिहेंसिव मतलब मैं इतना कॉन्फिडेंटली से क्यों बोलता हूँ क्योंकि Uh, मैंने खुद आई एम आ लर्निंग मशीन जितना शायद मैं खुद सीखता हूँ mm -hmm. खुद ट्रेनिंग्स लेता हूँ खुद बुक्स पढ़ता हूँ यू ऑलरेडी नो कि हमारे पास लाइब्रेरी है पूरी ठीक है वेन ही वेक्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग सो इनका सबसे पहले यही होता है कि आज मुझे ये सीखना है मुझे इस टॉपिक के बारे में सीखना है मुझे ये रिसर्च करनी है मुझे मतलब ही इज़ ऑलवेज लाइक मुझे कुछ ना कुछ पढ़ते रहना है आई वॉन्ट टू लाइक जस्ट राइट right. सो so, जहाँ पे शुभी अपना टाइम लगाती है थोड़ा सा मूवी वगैरह भी बीच में देखती है सो तो मेरा वो इंटरेस्ट नहीं है जिस टाइम पे मूवी देख रही होती है उस टाइम पे मैं कुछ कोर्सेज कर रहा होता हूँ खुद अपने तो अब वहाँ पे जो चीज़ें हमने सिखाई हुई हैं मतलब मैं कंपेयर अगर मैं करता हूँ किसी और चीज़ से जो खुद मैंने ट्रेनिंग्स ली थी वो अनकम्पेरेबल है एंड कमेंट कमाल की बात है वो लोग करते हैं जिनने ट्रेनिंग ली नहीं या फिर उन लोगों ने इम्प्लीमेंट ही नहीं किया भाई मेरी एक एग्जाम्पल बैंगो नेटवर्क ने ने मार्केटिंग में में टेक्निक है इनविटेशन की है प्रोस्पेक्टिंग की आप उसे यूज़ नहीं करोगे तो आप कैसे कमेंट कर सकते हो कि वो सवाल आए उस पर रिजल्ट आएगा नहीं आएगा और मैं कहता हूँ कि जितने लोगों पर मैंने वो सेम टेक्निक्स अप्लाई करी हैं वो सेम टेक्निक्स यूज़ करी हैं अगर आप करने लग गए तो आप पहले खुद ही कामयाब हो जाओगे आपको ये बातें करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि इतने लोगों से अगर आपने बात करी और इतने लोगों पे आपने सेम चीज़ें यूज करी देखो फर्क क्या है कि मेरी टेक्निक से आ, हो सकता है आपके पास पहले आप कुछ कर रहे हो आपको दस में से आ, एक लोग दो लोग तीन लोग हाँ बोल रहे हो मेरी टेक्निक से हो सकता है पाँच छः सात आठ लोग हाँ बोलना शुरू कर दें तो टेक्निक्स एंड कोई भी हम अगर कोई नया प्रिंसिपल कोई नई ट्रेनिंग लेते हैं तो उसका फायदा बस यही होता है स्किल्स का फायदा क्या होता है हम ज़्यादा शार्प बने हमारी कुलाड़ी पर धार लगे अब मैं बोलता हूं अगर जो लोग एक्चुअल में ट्रेनिंग लेने के बाद उसे अप्लाई करेंगे पहले तो वो कामयाब बन जाएंगे और टिप्पणी करने के लिए जितने लोगों को उन्हें प्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा उतने लोगों को उन्होंने कर लिया तो पहले तो इसी में उन्हें कई साल लग जाएंगे जितने लोगों को मैंने प्रोस्पेक्ट किया है और उतना काम करते हुए दे विल ऑलवेज दे, दे विल एक्चुअली बिकम सक्सेसफुल एंड दे विल नॉट हैव टू टॉक अबाउट एनीथिंग तो यहाँ पे सिर्फ दो तरह के लोग आते हैं जो मैंने देखा जो मैंने नोट किया क्योंकि लर्नर्स की लिस्ट है हमारे पास कि एक्चुअल में अगर कोई बोल रहा है तो हमारे लर्नर है भी है बोल रहा है तो हमने जब चेक किया क्योंकि लर्नर्स हमारे देखो हमारे पास एक अच्छी चीज क्या होती है हमारा कोई भी इवेंट होता है तो इवेंट के अंदर सबसे पहले हम हम किसे देते देते हैं हैं शुभी लर्नर्स 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 को learners को right. हमारे learners को तो हम फ्री एंट्री देते हैं. Learners हमेशा अपने आके खुद फीडबैक देते हैं हमने तो कभी बोला नहीं कि भाई आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे सो पीपल आर देयर दे टॉक अबाउट दे हैव गॉट अब लोग बोलते हैं कि रिजल्ट किसे मिले अरे आप थोड़ा सा चश्मा लगाओ आख खोल के देखो कि इतने इवेंट्स हम करते हैं आप जरा ध्यान से देखो कि जितनी कंपनीज आपको पता है थर्टी फाइव थाउजेंड लर्नर्स के अंदर ऑल ओवर इंडिया के अंदर कितने ऐसे लोग हैं जो कामयाब हो चुके हैं और कितनी बार वो बोल चुके हैं ऑल दो अब हम और ज्यादा टेस्टिमनीज लोगों की जो हमने अभी तक अपलोड करी नहीं थी हमारे जो बैकअप में पड़ी हुई है वो सारी हम अपलोड कर देंगे आप अगर इवेंट्स में देखो तो इवन यू ऑलरेडी नो कि जो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज के लीडर्स हैं वो हमारे इवेंट में आके फ्रंट रोज में बैठे होते हैं ठीक है एंड बहुत सारे ऐसे लर्नर्स हैं जो ऑलरेडी uh, शुभी uh, जो uh, और नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज के अंदर ऑलरेडी पाँच पाँच दस दस लाख रुपये महीना पे है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि भाई मेरे कोर्स से वो कामयाब वो ऑलरेडी कामयाब है बट वो कामयाब किस रीजन से हैं कि वो कॉन्टिन्यूसली सीख रहे हैं जो ऑलरेडी टॉप अर्नर्स हैं वो कोर्स के अंदर हैं बट देखो मैं किसी कंपनी को प्रमोट नहीं करता तो मैं नाम नहीं लेता ये मतलब ये करना भी नहीं चाहिए अगर हम एक ओवरऑल इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं बट डेफिनेटली इफ दे आर द कोर्स पार्टिसिपेंट इट इज नॉट बिकॉज कि मेरे कोर्स की वजह से वो कामयाब हो गए दे आर ऑलरेडी सक्सेसफुल बट वो अपनी सक्सेसफुल इस हैबिट से थे कि वो कीप ऑन लर्निंग उन्हें लगा कि भाई ठीक है पुष्कर के पास अगर कोई ऐसी चीजें स्किल ट्रेनिंग है तो हम देंगे अपनी टीम को देंगे एंड दैट इज वट द टॉक अबाउट मैं आपको एक रियल इंसिडेंट बताता हूँ सो अगेन आई विल नॉट नेम द कंपनी बट उनके जो टॉप अर्नर हैं जो टॉप अर्नर हैं एक्चुअल में uh, मेरे हिसाब से तीस चालीस लाख रुपए में उनकी इनकम होगी तो ही गॉट माई कोर्स उन्होंने ट्रेनिंग ली एंड ट्रेनिंग लेने के बाद उन्होंने इन्वाइट किया मुझे अपनी कंपनी के अंदर ट्रेन करने के लिए तो मैंने पहले भी इंसिडेंट शेयर किया था कभी तो उनके फाइव स्टार होटल के अंदर उन्होंने पूरा एक बूट कैंप ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज किया तो उनके जो टॉप टू हंड्रेड लीडर्स थे वो वहाँ पर थे उस रूम में ठीक है जी आई डिड माई ट्रेनिंग ट्रेनिंग वेंट सुपर कुछ महीने के बाद दोबारा से मुझे सेम कंपनी में बुलाया गया बट इस बार उन्होंने नहीं बुलाया जो वहां पे लोग बैठे थे उनमें से एक शख्स ने बुलाया फिर उनकी जो फ्रंट लाइन्स थी उन्होंने एक एक करके मुझे बुलाना शुरू कर दिया और अपनी अपनी टीम की ट्रेनिंग जो उनके 200-400 लीडर्स थे जो मेन मेन लीडर्स थे उनकी मैंने ट्रेनिंग कर रहा हूं मैं शुभ भी ऐसा करते करते सबसे पहले टॉप अर्नर फिर उनकी फ्रंट लाइन फिर उनकी फ्रंट लाइन फिर उनकी फ्रंट लाइन मैं आठ लेवल तक डाउन चला गया आठ लेवल तक डाउन जब मैंने आठ लेवल तक पे जो मैं ट्रेनिंग कर रहा था जिस शख्स के साथ तो ही वॉज सो यंग मतलब आई थिंक अठारह साल का पर्सन होगा वो एटीन ईयर्स में एंड उन्होंने मेरी ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज कराई तो उनकी टीम के दो लोग बैठे हुए थे अब उस पर्सन की जो अठारह साल के थे उनकी मैंने दो या तीन बार ट्रेनिंग करी एक बार उन्होंने शायद अपने अपलाइन के साथ मिलकर कराई और दो बार शायद इंडिविजुअली कराई तो तीन ट्रेनिंग्स मैंने करी तो उनकी जब मैंने ट्रेनिंग्स करी तो मैंने उनसे पूछा कि मतलब

अब तक मतलब आई एम मैं कंपनी के वो जो होता है ना uh, अलग अलग तरीके के मार्केटिंग प्लान्स होते हैं तो किसी कंपनी में कैपिंग होती है किसी में नहीं होती तो जो कैपिंग का लेवल है मैं कैपिंग पे पहुंच चुका अच्छा। हूँ तो ही टोल्ड कि मेरा इतना फायदा हुआ एंड जितने भी वो पार्टिसिपेंट्स थे दे ऑल आर माई कोर्स पार्टिसिपेंट्स सो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि एक ट्रेनिंग जो लोगों की इतनी हेल्प कर रही है एंड एक्चुअल में जो लोगों का रियल फीडबैक है हम उस पर फोकस करें रेदर देन जिस बंदे ने हमारी ट्रेनिंग ली ही नहीं जो ये सोच रहा है कि मतलब जस्ट बिकॉज कि हमारा नाम यूज करके जस्ट टू गेट सम व्यूज और समथिंग सो दिस इज मतलब एक्चुअली होता गया मेरे ट्रेनर ने मुझे बताया था कि नेगेटिव पब्लिसिटी इज ऑल्सो अ पब्लिसिटी आप किसी को बोल रहे हो यार पुष्कर ना अच्छा नहीं है <laughs> ना ट्रेनिंग ना अच्छी नहीं है तो जिसे मेरे, मेरे बारे में नहीं भी पता था ना वो भी जान रहा है कि अच्छा पुष्कर कौन एंड देन ही विल गेट टू नो अबाउट वट इज अ रियालिटी एंड देन uh, उसमें क्या होता है ना देखो रियलिटी क्या होती है ना आपको काफी सारी चीजें पता नहीं होती मैंने हमने पहले भी बताया था कि आपको सिर्फ वही बातें पता होती हैं जो हम इंटरनेट पे बताते हैं exactly. आज ये बताने की जरूरत क्यों पड़ रही है क्योंकि आपके क्वेश्चंस बहुत सारे हैं देर फो भी नी टू टॉक अबाउट दिस अदरवाइज हमने कभी बात ही नहीं करी इन सब चीजों के बारे में सी वाई डिड आई लीव नेटवर्क मार्केटिंग मैंने कभी बताया नहीं मेरे को क्यों बताने की जरूरत है hmm. जब मैं ऑलरेडी इतना काम कर रहा हूँ इतनी कंपनीज के अंदर हम ट्रेनिंग कर रहे हैं यू कैन सी एवरीथिंग यार आप जरा थोड़ा ध्यान से देखोगे यू विल सी एवरीथिंग और हमारी अचीवमेंट्स क्या है कोई उस इंसान मतलब कोई अगर अचीवमेंट के ऊपर बात करते हैं तो कम से कम रिसर्च करके तो बात करो मतलब वट एवर यू टॉक अबाउट बिकॉज सी आज अगर हम कुछ ऑनलाइन बोलते हैं आज हमने चलो अगर हमने बोला कि ठीक है वी अर्न लाइक टू सी आर हमने दो करोड़ रुपए कमाए एंड वी शोड इट सी आर वी फूल हम बेवकूफ है हमें पता नहीं हम टैक्सेस नहीं देते क्या वी नो इंटरनेट पे अगर आप कुछ भी रिवील कर रहे हो इट इज देरफोर फॉर एवर इट इज देरफोर फॉर एवर आपने अगर कोई चीज़ दिखाई है आप कोई चीज़ बताते हो भाई अच्छी बात किया है यहाँ पे जो चीज़ हमने कर ली हम वो बता रहे हैं यार मेरे पास गाड़ियां हैं मैं बता रहा हूँ भाई मैं एक सेल्फ मेड मैं आप लोगों को इंस्पायर करना चाह रहा हूँ मैं आपको दिखा रहा हूँ कि देखो ये सब पॉसिबल है आई यूज टू लिव अ वेरी डिफरेंट लाइफ आई एम लिविंग अ डिफरेंट लाइफ एंड लोगों को इंस्पायर करना दिस इज आर विजन हाँ यहां पे एक गलती आप लोग करते हो अगर आप लोगों को अभी वार्निंग दे रहा हूं मैं ये अगर आप ये सोच रहे हो कि बस मेरा कोर्स ले लोगे और कामयाब बन जाओगे नॉट पॉसिबल अभी बोल रहा हूं चाहे आप नेटवर्क मार्केटिंग का ट्रेनिंग लो चाहे आप डिजिटल ऑन्ट्रनोरशिप के लिए फास्ट ट्रैक लेने का ट्रेनिंग लो आपने अगर कुछ सीखा उसे इंप्लीमेंट करना कंपलसरी है आप सोचो कि बस मैं सीख लूंगा और मैं कामयाब बन जाऊंगा तो मैं कोई मैजिक वर्ड्स नहीं बोल रहा हाँ मैजिक वर्ड्स हैं अप्लाई करोगे तो मैं आपको एक चीज सिखा रहा हूं उसे सिखाने के बाद एग्जैक्टली exactly वैसा करो रिजल्ट ना आए तब बात करो रिजल्ट ना आए तब बात करो कि सर हमने ही किया मैंने आपको सौ दिन का एक्शन प्लान दिया मुझे एक बंदा शुभी नहीं मिला जिसने बोला मैंने सौ दिन का एक्शन प्लान पे काम किया और मुझे रिजल्ट्स नहीं आए देर इज नो बडी एट ऑल बिकॉज आज तक हमने इतनी ट्रेनिंग्स करी इतने सेमिनार्स करे हम इतने बड़े मास लेवल पे इवेंट्स कर रहे हैं देर वॉज नो जिसने ये क्वेश्चन किया हो कि ट्रेनिंग में दिक्कत है और ट्रेनिंग मैं आज से नहीं सत्रह साल की उम्र से कर रहा हूं सो आई एग्जैक्टली नो वॉट टू ट्रेन टू पीपल टू से आप बहुत सारे और भी क्वेश्चन होंगे तो अब एक सवाल आता है जो बहुत सारे लोग पूछना चाहते हैं कि सर व्हाई डिड यू लॉन्च कोर्सेज मतलब आपके अंदर क्या क्यूरियोसिटी थी कि आपने ये डिसीजन लिया कि आप अब हम लोगों को सिखाओ सी कोर्सेज वाई यहाँ पे स्टार्टिंग हुई थी जो मैंने बैगो नेटवर्क मार्केटिंग कोर्स लॉन्च किया था उस टाइम पे शु बी वट हैपेन्ड डेफिनेटली मैंने ये डिसीजन लिया कि आई एल ट्रेन द होल इंडस्ट्री नाउ रेदर देन द प्रमोटिंग जस्ट वन कंपनी तो ये मेरा अपना डिसीजन था मैं अगर उस कंपनी में भी आज भी काम कर रहा होता और आई वॉज इवन जस्ट फोकसड ऑन नेटवर्क मार्केटिंग तो भी मुझे लगता है कि आज की डेट में मैं कम से कम पच्चीस तीस लाख रुपये से ऊपर कमा रहा होता क्योंकि द ग्राफ वॉज गुड इनकम वॉज गुड माई पैशन वॉज गुड एंड मैं हमेशा से बहुत ज्यादा पैशनेट हूँ तो उस टाइम पे जो मैंने टीम को ट्रेनिंग दी और टीम ने सच में अपने चेक्स को ग्रो किया तो उस टाइम पे दिल में एक चीज़ आई कि कैन यू गिव इट टू अदर पीपल आल्सो क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी आप हेल्प कर सकते हो अब मैं आपको जैसे अभी फास्ट ट्रैक मिलेगा कोर्स में मैंने बताया द फाउंडेशन प्रिंसिपल ऑफ मेकिंग मनी फाउंडेशन प्रिंसिपल ऑफ मेकिंग मनी का मतलब होता है जब तक आप लोगों को वैल्यू नहीं दोगे आप आगे नहीं बढ़ सकते आपकी वैल्यू तभी बढ़ेगी जब आप लोगों को वैल्यू दोगे सो exactly. so, मैं अभी लिमिटेड लोगों को वैल्यू दे रहा हूँ जितने ज्यादा लोगों को वैल्यू दोगे उतनी ज्यादा आपकी वैल्यू बढ़ेगी सो मैंने अपनी टीम को वैल्यू दी बट देन आई थॉट की सेम वैल्यू टू अदर पीपल एज वेल तो मैंने वहां पर क्या किया मैंने एक एंटायर इंडस्ट्री के लिए एक ट्रेनिंग बनाई जिसका नाम जैसे मैंने बताया कि मैंग नेटवर्क मार्केटिंग का नाम कहा से आया एंड आई गिव इट टू पीपल एंड लिटरली पीपल वर सो हैप्पी मतलब हमें आज से फीडबैक्स नहीं आ रहे सो so, मेरे पास टेस्टिमोनियल्स आज से नहीं है मेरे पास टेस्टिमोनियल्स स्टार्टिंग से हैं और वो हमने अपलोड भी किए हुए हैं सो पीपल सो हैप्पी बिकॉज अल्टीमेटली जो स्किल्स की हम बात करते हैं आ, देखो इसमें कोई डाउट नहीं है कि नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों को बहुत कुछ सीखना पड़ता है और लोग पता नहीं कितनी वर्कशॉप्स लेते हैं कितनी बुक्स पढ़ते हैं पीपल आर लर्नर्स इन नेटवर्क मार्केटिंग एंड आई वॉज अ लर्नर सो वट एवर आई लर्न एंड आई अप्लाइड एंड देन माई एक्सपीरियंसिस कि भाई ये करने से ये होता है एक मेंटोर का, का काम होता है रास्ते को कम करना डिस्टेंस को कम करना कामयाबी का डिस्टेंस है उसे कम करना हाँ, चलना पड़ेगा बट बहुत ज्यादा घूम घूम के ना जाना पड़े दिस 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 इज यू यू विल विल डू फोकस फोकस ऑन ऑन कोर प्रिंसिपल्स एंड गेट द रिजल्ट्स सो पे मेरे दिमाग में एक चीज थी कि मुझे ना लोगों को सिखाना है एंड डेफिनेटली लोगों को वैल्यू भी देनी है देखो मैं वैल्यू दूंगा और मेरे मेंटोर ने एक चीज सिखाई की पुष्कर इफ यू आर रियली गुड एट समथिंग देन डू नॉट डू इट फॉर फ्री लोग वैल्यू नहीं करते ठीक है आज आ, हम एक चीज में सच में एक्सपर्ट हैं सुपर्ब है अगर मेरी किसी चीज में एक्सपर्टीज है मैं उसे फ्री में करूंगा लोग वैल्यू नहीं करेंगे तो उसकी एक वैल्यू होनी चाहिए सो दैट जो लोग सच में सीरियस हैं उन्हीं लोगों को वो चीज मिले डेफिनेटली दैट्स अ सोर्स ऑफ इनकम आल्सो बट आप जब तक लोगों की हेल्प नहीं करोगे लोगों को वैल्यू नहीं दोगे आपकी वैल्यू नहीं बढ़ेगी तो दैट वाज अ मेन रीजन कि मैं अगर किसी चीज में एक्सपर्टाइज रखता हूं मैं आज मेरे पास लोग मिलने आते हैं ठीक है

हमने अप्लाई करी जिससे हम कामयाब बने वाई नॉट इट टू टू गिव पीपल लोगों के हाथ में अगर वो वैल्यूएबल आएगी दे विल अचीव बेटर इन लाइफ एंड दिस इज वी टू डू पुष्कर भी नो कि जैसे कि हम कहते हैं कि आपको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ना चाहिए आपको हॉवर्ड यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ना चाहिए सो वी नो कि कोई भी एजुकेशन जो हम लेते हैं इनफैक्ट हम स्कूल्स में भी पढ़ते हैं सो दैट एजुकेशन इज नॉट गिवन टू अस इन फ्री तो बहुत से लोग ये सवाल करते हैं एंड दैट्स रियली वेरी फनी कि बहुत लोग ये बोलते हैं कि सर आपकी ट्रेनिंग्स जो है दैट्स बिट एक्सपेंसिव तो ये एक्सपेंसिव आई वॉन्ट टू नो दैट इन वॉट टर्म्स इज़ इट एक्सपेंसिव एंड क्या है मतलब वाई आपने एक वैल्यू रखी हुई है लोगों के लिए एंड अभी करंटली वी नो कि आपके कोर्सेज जो हैं वो डिस्काउंट पे हैं सो वी वॉन्ट टू नो कि मतलब आप ये लोगों का एक क्वेश्चन है ये कि सर आपके कोर्सेज एक्सपेंसिव है सो वॉट दिस सी मेरे इफ पीपल विल गो ऑन वेबसाइट लाइक तो वहाँ पे देखेंगे कि हमारे 2000 के भी कोर्स है okay. ठीक है uh, और हमारा वहाँ पे आपको अभी जो फास्ट ट्रैक मिलने वो ट्वेंटी फाइव थाउजेंड में भी मिलेगा mm -hmm. पहली बात तो मैं ना थोड़ा सा क्लियर करता हूँ बिकॉज वी आर इन अ ट्रेनिंग इंडस्ट्री फॉर सच अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम लोगों को ना कोर्सेज के बारे में ज्यादा जानकारी जैसे मैंने बताया नहीं होती लोग अपना एक ऑडियो प्रोग्राम बनाते हैं जस्ट वन एंड एक ऑडियो प्रोग्राम उन्होंने बनाया ठीक है और उसे हज़ार रुपये में सेल करते हैं yeah. अब, लोगों है, है. yeah. अब लोगों को लगता है वो सस्ता है ठीक है अब लोगों को लगता है वो सस्ता कंपेयर टू ठीक है अगर आप मेरी एक ट्रेनिंग से कंपेयर कर रहे हो आपको लगेगा सस्ता है बट आप पहले देखो उसमें मिल क्या रहा है yeah. मैं अगर एग्जाम्पल ने नेटवर्क मार्केटिंग में सौ दिन की मतलब आपको वीडियो ट्रेनिंग दे रहा हूँ ठीक है उसमें असाइनमेंट्स भी दे रहा हूँ उसमें प्लान ऑफ एक्शन भी दे रहा हूँ एक आप ऑडियो के लिए आप थाउजेंड रुपीज़ को सस्ता समझते हो और सौ दिन को अगर मैं आप ही वैल्यू के हिसाब से लेके चलूं आप एक ट्रेनिंग का, एक वैल्यू करते हो, तो दिन का एक बोला मेरे वेबसाइट पे 2000 का भी कोर्स है मेरे वेबसाइट पे भी आप जाएंगे जिसका जो प्राइस है उसमें उतनी वैल्यू है वैल्यू के हिसाब से प्राइस एंड मैं कहता हूं कि मेरे हैं आपने अगर एक चीज को भी इंप्लीमेंट कर लिया फास्ट ट्रैक मिलने ट्रेनिंग प्रोग्राम में इतना कुछ सिखाया हुआ है एक चीज को भी इंसान ने अप्लाई कर लिया तो वो उसी से लाखों रुपए कमाना शुरू कर सकता है एक चीज से तो वो वहां पे इनवैल्यूएबल हो जाती है यहां पे आ जाता है पर्सनल एक्सपीरियंस अब वट एवर यू हैव डन अगर आपने कोई चीज शॉर्ट टाइम में करी है आप सक्सेसफुल हो आप लोगों को सिखा रहे हो ये अपनी वैल्यू है हमें अपनी वैल्यू हमें पता है कि हम क्या दे रहे हैं हमें पता है कि वो लोगों को सस्ता मिल रहा है बट इट इज एक्चुअली अ परसेप्शन लोग कंपेयर करते हैं hmm. लोग कंपेयर क्या करेंगे मार्केट में बहुत सारे लोग हैं जो मैंने जैसे बताया कि वो कहेंगे जी थाउजेंड रुपीज है तो थाउजेंड रुपीज में क्या मिल रहा है आप अगर किसी के लिए बीस हजार रुपए दे रहे हो पच्चीस हजार रुपए दे रहे हो उसमें क्या मिल रहा है दस हजार रुपए दे रहे हो तो उसमें क्या मिल रहा है यू शुड एक्चुअली सी कि वैल्यू किसमें क्या मिल रही है यू पे फॉर द वैल्यू देन वट यू बिकम वट यू बिकम आफ्टर द ट्रेनिंग आपको क्या लगता है आप दिन के लिए एक पॉजिटिव ट्रेनिंग में जाओगे आप क्या निकलोगे जब बाहर तो क्या बनकर निकलोगे क्या आपका माइंड चल रहा होगा क्या क्या आपको मिल जाएगा अब मैं यहां पे कमेंट करना चाहूंगा ट्रैक मिलने ट्रेनिंग में मैंने बोला कि मैं आपको अपने सीक्रेट्स बता रहा हूं हाउ एम आई डूइंग द थिंग्स आई एम ट्रेनिंग यू दैट मैंने क्या क्या किया सब कुछ सिखा रहा हूं इसके अलावा आप इंटरनेट से कैसे लाखों इनफैक्ट अगर आपने उसे अप्लाई किया तो आप कुछ ही टाइम के अंदर करोड़ों में भी कमा सकते हो mm -hmm. अब लोग कमाना शुरू भी करोड़ों में चाहते हैं mm -hmm. जी हम तो मैं कर करोड़ों छोड़ो लाखों में कमाना चाहते हैं बट वो सोचते हैं जी ये भी फ्री में ही मिलना चाहिए अब मैं अगर एक फास्ट ट्रैक मिले कोर्स के अंदर ट्यूटोरियल दे रहा हूं mm -hmm. वो ट्यूटोरियल एग्जाम्पल फोर्टी फाइव मिनट्स का है mm -hmm. अब वो उसमें कुछ चीजें इंटरेस्टिंग भी हैं कुछ बोरिंग भी हैं इफ आई जस्ट अपलोड ऑन यूट्यूब आई टेल यू दिस पहली बात तो ट्यूटोरियल्स एंड ऑल जो भी मैं आपको दूंगा इतनी सारी चीजें हैं इतनी सारी चीजें इतने सारे हैं यू मे नॉट फाइंड इट वेरी एंटरटेनिंग बट करना पड़ेगा बोरिंग चीजें भी करनी पड़ेंगी अगर मैं आपको फनल बनाना सिखा रहा हूं अगर मैं आपको सिखा रहा हूं कि इस तरीके से इस टूल से इस तरीके से काम करना है और यार वो शॉर्टकट बता रहा हूं मैं तुम्हें तुम लगे रहो ना खुद आपको इंटरनेट पे सीखने को बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी बट क्या करने से क्या फनल बनाने से क्या सीक्वेंस बनाने से क्या रिजल्ट आएंगे ये आपको कौन बताएगा क्या करना पड़ेगा ये आपको कौन बताएगा ये तो एक्सपीरियंस ही है ना जो काउंट करते हैं तो अब मैंने एक चीज सिखाई भाई ये फनल अगर आपने बना दी इस पर आपने इस तरीके से फेसबुक पे एड लगाई इस तरीके से आपका फनल पे काम हो रहा है तो आपको हजारों इनफैक्ट लाखों रुपए इस तरीके से आने शुरू हो जाएंगे अब तुम्हें कोई सिखा रहा तो सीख लो मैं तो इतना सिंपल सी बात बोलता हूँ एंड फिर आप जिससे सीख रहे हो वो कौन है उसने क्या किया ये बहुत मैटर करता है Exactly. तो अगर आज एक इंसान मैं बोल रहा हूं ठीक है वी मैं आपको ट्रेन भी दूंगा मैं आपको ट्रेन भी करूंगा शुभी आई मेरे पास मेरे को ट्रेन करो भाई मेरे को दो महीने लगेंगे तुम्हें सिखाने में फास्ट ट्रैक मिलने ट्रेनिंग जो मैं दे रहा हूं दो महीने का इन्हें टेक्निकल ट्रेनिंग देना है मतलब मैं इतना टाइम क्यों निकालूं आपको ट्रेन करने के लिए व्हाट इज माय वाई इफ आई एल नॉट चार्ज फॉर समथिंग मेरा मोटिवेशन ही नहीं आएगा मतलब right. ये चीज मैं क्लियर बोलता हूँ और ये किसी के लिए भी है आप एक हॉस्पिटल uh, में जाओ आप डॉक्टर को बोलो जी मैं फीस नहीं दूंगा मेरा इलाज कर दो तो वो डॉक्टर ठीक है एक बार इलाज कर देगा दो बार कर देगा आपको कुछ नसीहत टिप्स फ्री में दी जा सकती है बट आप बोलो मेरा ऑपरेशन कर दो और मैं आपको कुछ दे भी नहीं रहा ठीक hmm. है तो पीपल विल नॉट डू दैट एंड डेफिनेटली अगर मैं किसी चीज में अच्छा हूं मैं उसके चार्ज कर रहा हूं मैं कह रहा हूं कि यार दो महीने का मेरा पूरा अगर एक ट्रेनिंग है उसके बाद दो महीने की मैं आपको पर्सनैलिटी अपग्रेडेशन की भी ट्रेनिंग दे रहा हूं उसके अंदर तो अगर मैं चार महीने आपके साथ लगा पड़ा हूं तो आई विल चार्ज फॉर समथिंग यार आई एम चार्जिंग फॉर माई टाइम माई वैल्यू अगर मैं कोई चीज़ बना रहा हूं एंड डेफिनेटली वो मैं बना रहा हूं अगर मैं एक चीज़ में एक्सपर्ट हूं तो मैं उस चीज़ के चार्ज कर रहा हूं एंड ये सब करते हैं सो so, लाइक uh, like we have done psychology. Psychologists charge करते हैं नहीं करते डेफिनेटली वो मिनट के हिसाब से चार्ज कर रहे होते हैं इनफैक्ट डॉक्टर्स हम देखें तो डॉक्टर्स भी तो आपको ठीक करते हैं In fact, उनसे नोबल काम तो कोई करता नहीं बट ऑब्वियसली आर चार्जिंग बटवियो हम डॉक्टर को कह नहीं, आप हमारा इलाज फ्री में कर दो तो बट शुभि तो... मैं ये चीज़ बोलता हूँ कि हम जो चार्ज करते हैं दैट इज वेरी लेस अब मैं आपको एक चीज बोलूँगा कुछ लोग कहेंगे जी गरीब बंदा कैसे ट्रेनिंग लेगा गरीब बंदे के पास वो ट्रेनिंग नहीं है मैं बोलूंगा आप पहले मेरी वो ट्रेनिंग लो जो आपको लगता सस्ती है hmm. आप उससे पैसा कमाना सीखो फिर आप वाली ट्रेनिंग लेना क्योंकि आप एकदम से आप फास्ट ट्रैक चेक को क्या समझ रहे हो वो एक एडवांस ट्रेनिंग है ब्रदर वो एक ऐसी ट्रेनिंग है और फास्ट ट्रैक मिलेनर कोर्स भी लोगे ना उसके बाद भी आपकी तीस चालीस पचास हजार की इन्वेस्टमेंट लगेगी इमीडिएटली नहीं लगेगी स्लोली एंड ग्रेजुअली लगेगी आप कमाना लाखों चाहते हो आप बोलो जी जीरो में हो जाए नहीं होता आपको मैं बोलूंगा जी इस तरीके से डोमेन लेना, इस से लेना इस से है इस तरीके से होस्टिंग लेनी है इस तरीके से ये करना है इस तरीके से एड लगानी है इस तरीके से ये करना है इस तरीके से प्रोडक्शन करना है इस तरीके से आपको यहाँ से एडिटिंग करानी है इस तरीके से आपको ये फ्रीलांसिंग करानी है मैं आपको सारी चीजें गाइड करूंगा उसमें आपके हजार दो हजार हजार रुपए ऐसे लगते रहेंगे एक बार में लगेंगे लगेंगे बट अगर कमाने लाखों करोड़ों वाला बोलो मैं इतना भी नहीं कर सकता तो मैं आपको पहले वॉन कर रहा हूं ट्रेनिंग में मत आना, आप आप ट्रेनिंग को ना ये मत सोचो कि भाई अली बाबा का चिराग गया और घिसा और कुछ भी हो जाएगा आप जो भी सीखोगे उसे आपको अप्लाई करना पड़ेगा वट एवर दैट उसके बिना कुछ नहीं होगा हाँ जो लोग अप्लाई करेंगे वो ऑलरेडी पैसा कमाना शुरू कर चुके हैं आई थिंक अभी हमने जो लोग अभी शुभ एफिलेट मार्केटिंग से घर पे बैठे बैठे पैसे कमा रहे हैं वी आर पुटिंग आई थिंक जो टीम है वो स्क्रीनशॉट लेके भी अपलोड कर देती है स्टोरीज पे आप देख सकते हो लोगों ने कुछ हजारों में तो कमाना शुरू कर दिया है और अभी कोर्स के कितने दिन हुए हैं आई गेस पंद्रह सोलह दिन हुए हैं अभी अभी तो चार महीने की ट्रेनिंग है तो पीपल हैव एक्चुअली स्टार्टेड टू मेक मनी एंड दिस इज माई एक्सपर्टीज मुझे एक चीज में एक्सपर्टीज है मैं सिखा सकता हूँ और मैं सिखा रहा हूँ That's it. So I I personally feel my courses are uh, अगर आप मार्केट में कंपेयर करोगे तो इन एक्सपेंसिव है क्योंकि वो इन वैल्युएबल है उनकी वैल्यू नहीं लगाई जा सकती ओके okay, पुष्कर अब एक सवाल जो कि मैं पूछना चाहती हूँ आपसे कि वॉट इज योर विजन नाउ मतलब वी नो you, you have launched courses, you have done network marketing एंड आपने इंस्टीट्यूट बिजनेस भी किया है बट आई वॉन्ट टू नो कि अब आपका विजन क्या है बिकॉज वी ऑलरेडी नो कि आप एक लर्निंग मशीन हो कि आप कुछ ना कुछ सीखते रहते हो बहुत सारे लोगों को इंस्पायर करते हो सो व्हाट इज़ योर विजन मतलब आप लाइफ में क्या अचीव करना चाहते हो वॉट इज योर विजन फ्रू लाइफ शिशु भी इसके ऊपर ना मैंने पहले भी एक बार बात करी थी आ, देखो आज की डेट में हम घर पर हैं ठीक है और किसी की कोई कमी नहीं है ठीक है लोगों के काम हैं या नहीं है हमारे काम चल रहे हैं ठीक है अब ये डेफिनेटली कि हर बिजनेस में इम्पैक्ट पड़ता है बट मैंने जिस भी बिज़नेस में चाहे इन्वेस्टमेंट करी है जितने भी लोग मेरे साथ हैं अभी मैंने शुभी पिछले कुछ टाइम में ना स्टार्टअप इनक्यूबेटर शुरू किया है स्टार्टअप इनक्यूबेटर को क्या बोलते हैं मैं थोड़ा सा बताता हूँ क्योंकि फास्ट ट्रैक मिलेनर कोर्स भी मैंने उसी के वेव में लॉन्च किया था सो स्टार्टअप इनक्यूबेटर का मतलब होता है कि आप लोगों को स्टार्टअप करने में हेल्प करते हो और उनको जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए उनको जो रिसोर्स चाहिए उनको जो गाइडेंस चाहिए उनको जो मेंटोरशिप चाहिए आप उनको वो प्रोवाइड करते हो देखो आ, लोगों को लगता होगा कि मैं सिर्फ अगर इफ आई एम जस्ट ट्वेंटी फ़ाइव तो मैं बहुत अभी यंग हूँ डेफिनेटली यंग हूँ बट मुझे ऐसा लगता है कि अब जो आगे की लाइफ है ना वो मुझे एज लोगों को गाइड करते हुए लोगों के बिज़नेस में इन्वेस्ट करते हुए जीनी है तो जो मैंने अपना स्टार्टअप इनक्यूबेटर शुरू किया अगर इफ़ यू विल विजिट माय ऑफिस सम डे यू विल सी दर लॉट ऑफ पीपल हुआ आर वर्किंग इन माय ऑफिस तो बहुत सारे तो हमारे साथ हमारे साथ एम्प्लॉज ही हैं और क्योंकि बहुत बड़ा ऑफिस है हमारा कभी आप आएंगे तो आपको लगेगा कि मैं अपने ऑफिस में सेमिनार्स कर सकता हूँ तो क्रिकेट खेल सकते हैं हम ऑफिस में तो uh, उसमें हमने बहुत सारे कैबिन्स बनाए हुए हैं बहुत सारे uh, इस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया हुआ है कि uh, जैसे जो लोग मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं तो उन्हें हम सपोर्ट करते हैं कि आप किस तरीके से सबसे पहले उनके कंपनी रजिस्ट्रेशन से लेके उनको गाइड करने से लेके उनका प्लान ऑफ एक्शन बनाने से लेके उनको प्रॉफिटेबल ले जाने तक आई डू एवरीथिंग तो ये सब मैं करता हूँ एंड यही कहीं ना कहीं मेरा विजन है कि मेरे को ना लोगों को ग्रो करना है तो जो गो सेल्फ मेड रेवोल्यूशन मैंने शुरू किया था मैं आप सबके सामने ये चीज़ बोलना चाहूंगा अच्छा पहली बात तो इस वीडियो की काफ़ी सारे लोग वेट कर रहे थे क्योंकि बहुत सारे सवाल थे आप में से बहुत सारे लोग वीडियोस बनाना चाहते थे कि बहुत सारे सवालों के ऊपर एंड uh, uh, आप अब डेफिनेटली कर पाएंगे आपके पास uh, मैंने इस वाली वीडियो में काफ़ी सारी पर्सनल चीज़ें शेयर करी हैं जो मैंने पहले कभी नहीं करी थी तो यू कैन एक्चुअली मेक द वीडियोज़ मुझे कोई दिक्कत नहीं है मैं यहाँ पे एक चीज़ बताऊंगा कि जो गो सेल्फ मेड है वो ना पुष्कर राज ठाकुर का विजन नहीं है वो इस वक्त इंडिया की जरूरत है आपको क्या लगता है लॉकडाउन के बाद जो लोग जिस विजन से बाहर निकल रहे थे लोग सोच रहे थे कि हमें बहुत बढ़िया नौकरी मिल जाएगी हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे इस वक्त एक ही चीज है जो इंडिया को ऊपर लेके जा सकती है एंड दैट इज दैट पीपल बिकम सेल्फ मेड एंड ये गो सेल्फ मेड मेरा ऑल दो मेरा ट्रेडमार्क है मेरा रजिस्ट्रेशन हमने इस पर कराया हुआ है बट मैं कहूँगा इसे ना यही मेरा विजन है और यही आप लोग भी ना विजन बना लो कि हमें सेल्फ मेड बनना है और हमें लोगों को इंस्पायर करना है कि वो सेल्फ मेड बने मैंने आपको पर्पस ऑफ लाइफ में बताया था कि व्हेन यू बिकम सक्सेसफुल भाई मैं सर्वाइवल मोड पे था मैं सिक्योरिटी पे आ गया मैं सक्सेसफुल बन गया अब आ जाता है सिग्निफिकेंस लेट्स डू इट फॉर पीपल तो हमें लोगों को हेल्प करनी है कि लोग सेल्फ मेड बने तो गो सेल्फ मेड यार आप देखो मुझसे मोहब्बत करते हो या ना करते हो मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता मुझे किस चीज से फर्क पड़ता है कि यार तू कामयाब बन जा भाई तुम कामयाब बनो और लोगों को ना इंस्पायर करो नेगेटिव लोगों की हमें जरूरत ही नहीं है इस दुनिया में नेगेटिव लोग पहले ही भरे पड़े हैं नेगेटिविटी तो वैसे ही स्प्रेड करते रहते हैं लोग हमें पॉजिटिव लोगों की जरूरत है हमें ऐसे लोगों की जरूरत है जो किसी के आंख में आंख डाल के बोले कि तेरे पास कुछ नहीं है तेरे पास फैमिली का सपोर्ट नहीं भी है तेरे पास अगर कुछ भी नहीं और तेरे मन में सिर्फ एक ड्रीम है एक सपना एक चाहत है कि तू कुछ बड़ा करना चाहता है तो तू कर सकता है क्योंकि किसी को यह विश्वास दिलाने वाला इंसान अगर मिल जाए कि भाई तू कुछ कर सकता है तो पुष्कर राज ठाकुर जैसे लाखों लोग इंडिया में हैं लोग ये नोबल काम कर रहे हैं यू डू इट योर वे सब अपने अपने तरीके से करते हैं मेरा अपना एक तरीका है मैं लोगों को एक डीप ट्रेनिंग देता हूं ठीक है मेरा अपना तरीका आप लोगों को मोटिवेट कर सकते हो आप लोग नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर हैं उसमें कर सकते हैं अब शुभी विजन के अंदर एक बात करते हैं मैंने ना कुछ टाइम पहले एक रिसर्च करी थी कि हमारी इंडिया पे कर्जा कितना है तो आपको पता होगा कि हर कंट्री पे वैसे डेट होते हैं बट इंडिया के ऊपर इस वक्त बहुत ज़्यादा कर्जा है और इस वक्त जो आपको क्या लगता है जो सरकार हेल्प कर रही है लोगों की वो कहाँ से कर रही है सरकार कर्जे लेती रहती है फॉर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स एंड वो कर्जे देती कहाँ से है कर्जे तब देती है जब वो लोगों से टैक्स वसूलती है लोग टैक्स देते हैं तो वहीं से कर्जा ख़त्म होता है तो इस वक्त हमारी सरकार ना कर्जे में डूबी हुई है और जैसे मैंने ये चीज़ की रिसर्च करी कि सरकार को इस वक्त 50 लाख करोड़ की जरूरत पड़ेगी 50 लाख करोड़ की जरूरत है जितना उनके ऊपर कर्जा है उसे खत्म करने के लिए कर्जा बढ़ता जा रहा है सो so, वहीं से ये फिगर आई थी शुभी कि अगर 50 लाख लोग इंडिया में ऐसे बन जाए मतलब इट इज माई विजन अब उसे करने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ेंगे वो एक अलग चीज है बट इट इज माई विजन कि अगर पचास लाख लोग सेल्फमेड बन जाए इंडिया में 130 करोड़ की बाद में 50 लाख लोग सेल्फमेड बन जाए एंड एक सोच है यही होती है पॉजिटिव सोच एक विजनरी की सोच कि भाई अगर 50 लाख लोग सेल्फ मेड बनते हैं और वो पैसा कमाते हैं। यार आज हमें पता है, हम सरकार लोगों के लिए कर पाती है इंडिया में अगर लोग सेल्फ मेड बनेंगे वो बिजनेसमैन बनेंगे वो लोगों की हेल्प करेंगे तभी सरकार का कर्जा खत्म होगा अब पचास लाख लोगों को सेल्फ मेड बनाना अपने आप में बहुत बड़ा विजन है और इस विजन में सिर्फ उस इंसान को विश्वास नहीं होगा जो नेटवर्किंग की पावर को नहीं समझता hmm. आपको क्या लगता है नेटवर्क मार्केटिंग अगर हूं तो मुझे फॉलोअर्स नहीं चाहिए मैं आपको आज बोल रहा हूं मुझे लीडर्स चाहिए क्योंकि लीडर एक काम करता है एंड leader, hmm. यहां से डुप्लीकेशन आती है शुभी आई थिंक अगर मैंने अगले कुछ टाइम के अंदर दस हजार लोगों को ढंग से वो ट्रेनिंग दे दी जो उन्हें चाहिए और उससे वो इंप्लीमेंट करके पैसा कमाना उन्होंने शुरू कर दिया एंड अगर उन्होंने गो सेल्फ मेड को अपना विजन मान लिया और उन्होंने लोगों की हेल्प शुरू कर दी तो जो डुप्लीकेशन का इफेक्ट आएगा ना वो इंडिया को वर्ल्ड लीडर बना देगा और वही जरूरत है सो माय विजन Actually combines with compounding effect. This vision combines with the power of networking. कि हमें लोगों को empower करना है, with the right mindset, with the right tools, with the right education, with the right skill set, so that people actually do something big in their life, and then they inspire people कि देख हमने किया है। शुभि एक घर में एक आदमी कामयाब हो जाता है। आज जैसे इस परिवार में मैं कामयाब हूँ। मेरी आन, मेरे साथ जो जनरेशन है जैसे मेरे छोटे भाई बहन है कजन है अब वो मेरे को देखते हैं दे लुक फॉरवर्ड टू मी कि अगर पुष्कर ने किया है तो हम भी करेंगे एंड दे आर एग्जैक्टली डूइंग तो एक इंसान अगर कामयाब बनता बनता है बनता है सेल्फ मेड वो कितने लोगों को इंस्पायर करता है कितने सारे लोग हमसे इंस्पायर होते हैं ये हमें पता है एंड दैट इज द इफेक्ट वी वॉन्ट टू ब्रिंग इन द दर्ल्ड दैट इज देंज वी वॉन्ट टू ब्रिंग इन दर्ल्ड सो माई ओवर ऑल विजन इज शुक मुझे ऐसा लगता है कि आज डेफिनेटली वी आर लिविंग अ वेरी हैप्पी लाइफ आज मैं पूरी जिंदगी कामना करूँ मेरे पास इतने रिसोर्सेज हैं कि शु बी ऑलरेडी नो आज मतलब सिर्फ मैं करोड़पति नहीं हूँ ये भी करोड़पति है ठीक <laughs> <थेके>। है <laughs> तो इसे मतलब ये तो खैर डायरेक्टर ही है तो हमारे साथ और कंपनीज़ के अंदर सो शी ऑलरेडी नो दिस तो मैं मैंने बहुत सारे लोगों के लाइफ में इंपैक्ट इस तरीके से किया स्टार्टिंग फ्रॉम द इंस्टीट्यूट बिजनेस जो मेरे साथ मैनेजर्स टीचर्स थे उन्हें मैंने ये विजन दिया कि तुम अपना इंस्टीट्यूट खोल सकते हो एंड उनको मैंने किसी भी तरीके से हेल्प करी दिस इज वट आई डिड मैंने वो नेटवर्क मार्केटिंग आई हेल्प द पीपल सो दैट वट एवर आई डिड यू कैन डू द सेम When I was doing YouTube business, मैंने अपने फ्रेंड्स को यूट्यूब चैनल शुरू कराया आज उनके यूट्यूब चैनल भी बहुत अच्छा काम रहे हैं एंड इन डिफरेंट फील्ड लोगों को पता ही नहीं होती फील्ड एनिमेशन की फील्ड लोगों को पता ही नहीं होती लोग सोचते हैं जी हम ही अपना बस uh, चैनल बनाकर शुरू कर सकते हैं बट वी हैव मल्टीपल चैनल इन टू कुकिंग इन टू म्यूजिक प्रोडक्शन इंटू ब्यूटी और मेरा उससे कोई लेना नहीं है मैं बिजनेस मैन एज ए इन्वेस्टर काम करता हूँ तो आज मैं लोगों को गाइड करता हूँ कि इस तरीके से आप काम कर सकते हो नाव आईवेंसर मार्केटिंग कंपनी तो मैनेजिंग द यूट्यूबर्स आज लोगों को प्रमोशंस कराने होते हैं तो हमें कांटेक्ट करते हैं again, again तो वो इंश्योरेंस इंडस्ट्री में सब काम कर रही है इस वक्त हमारे इंश्योरेंस का बिजनेस बढ़िया चल रहा है बिकॉज लोग और ज्यादा अवेयर हो चुके हैं कि इंश्योरेंस की हमें जरूरत है आज मेरे जो टेक बिजनेस है जो हम एप्स बना रहे हैं आज अगर मुझे कुछ ऐसे लोग मिलते हैं जो एक्चुअल में जिन्हें से फंडिंग की जरूरत है थोड़ी सी गाइडेंस की जरूरत है और वो काम करने के लिए रेडी आई हेल्प दम सो माय विजन इज कि यार मैं ना सेल्फ मेड लोगों को बनाऊं जो हमारा इंक्यूबेटर है उसमें हम बहुत सारे लोगों को और भी आगे लेके चलें एंड मैं आपको बता रहा हूँ आज मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ चाहे कुछ भी चल रहा हो दुनिया में वी आर वेरी वेरी पॉजिटिव पीपल एंड हम अब कुछ इतना बड़ा करने वाले हैं ना इतना बड़ा मतलब वेन आई से गो सेल्फ मेड इज अ सुनामी इट इज एक्चुअली अ सुनामी अब आप जो आगे एक्सपीरियंस करने वाले हो हमारे इवेंट्स के अंदर हमारी ट्रेनिंग्स के अंदर अब आपको बहुत सारे लोगों से भी मैं मिलवाने वाला हूं जो हमारे साथ ग्रो कर रहे हैं जो ऑलरेडी अच्छा कर रहे हैं एंड आपको दिखेगा कि बहुत सारे यंगस्टर्स हमारे साथ बहुत तेजी से काम कर रहे हैं क्योंकि आई अंडरस्टैंड कि अगर इंडिया को बदलना है तो यूथ पे काम करना है एंड दिस इज व्हाट वी आर डूइंग सो ऑलरेडी आई हैव टोल्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स आई हैव ऑलरेडी टोल्ड लॉट ऑफ थिंग्स एंड आई थिंक कि आपको बहुत सारी इसमें वैल्यू मिली होगी Uh, जो लोग uh, सवाल थे उनके आंसर्स मिले होंगे एंड जैसे आपको पर्सनल चीज़ें भी बहुत सारी जाननी थी एक्चुअली कभी ख़त्म नहीं हो पाएगा क्योंकि देखो इतने साल हैं यार सात आठ साल को मैं कैसे कुछ घंटों में बता सकता हूँ इट टेक्स टाइम बट देखो हमेशा जब हमने बहुत कुछ किया है ना बहुत अच्छा लगता है कि हमने बहुत कुछ किया है एंड तब हम वैल्यू दे रहे हैं डेफिनेटली अगर आ, आप लोगों को लगता है कि आप कामयाब बन सकते हो आपको कोई नहीं रख सकता कामयाब बनने से आप ट्रेनिंग लो बट हाँ यहाँ पे जो हमारे आ, हमारे जो कोर्सेज हैं उसके ऊपर भी मैं बोलूँगा आप हमेशा देखना अगर आप कोई भी कोर्स ले हो मेरा है, किसी का भी आप इम्प्लीमेंट नहीं करोगे आपको रिजल्ट नहीं आएंगे आप implement करोगे तो आपको डेफिनेटली रिजल्ट आएंगे कम से कम मैं अपनी ट्रेनिंग्स की गारंटी ले सकता हूँ उस चीज़ में कि इफ़ यूल इम्प्लीमेंट यू विल गेट द रिजल्ट नो बडी कैन स्टॉप यू गेटिंग द रिजल्ट सो दैट सेट फॉर दर तो so, uh, जैसे कि हमने अब uh, सबको पता है कि गो सेल्फ मेड पुष्कर का एक बहुत बड़ा विजन है तो इस गो सेल्फ मेड को अगर हमें पूरा करना है तो सिर्फ पुष्कर को ही नहीं आप सब लोगों को भी बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे बिकॉज uh, ये सिर्फ एक जैसे कि पुष्कर ने बोला था चलो आज हम इन्हीं के मुँह से सुन लेते हैं गो सेल्फ मेड एक गो सेल्फ मेड कोई छोटी मोटी लहर नहीं ये तो एक विशाल का सुनामी है गांव गांव में शहर शहर में सुनानी अब ये कहानी है कि बन सकती है जिंदगी ख्वाबों से बेहतर कि बन सकती है जिंदगी ख्वाबों से बेहतर अगर ठान ली तुमने बनाने की है तो इट वॉज़ अ वेरी ग्रेट एक्सपीरियंस आई थिंक बहुत से लोगों को बहुत सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे एंड अगर आप इसी तरीके से कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं आप चाहते हैं कि हमें इन सवालों के जवाब चाहिए तो आप नीचे कॉमेंट सेक्शन के अंदर अपने सवाल लिख सकते हैं विल we'll ट्राई कि हम आगे और वीडियोज़ ऐसी बनाएं कि जिसके अंदर हम पुष्कर से उनका टाइम लेके और प्रेशस टाइम लेके कुछ सवालों के जवाब आप लोगों को दे पाएं एंड आप अपनी क्यूरसिटी इसी तरीके से बनाए रखिए बिकॉज वी नो दैट यू ऑल लव अस एंड इसी तरीके से वी वॉन्ट दैट हम आगे ग्रो करते रहें एंड आप लोग भी आगे बढ़ते रहें सो फाइनली व एंड ऑफ दिस वीडियो नाउ बिकॉज ऑलरेडी हमने बहुत बातें कर ली बहुत कुछ सीखने को मिला सो so, uh, ये एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है कि शुभी uh, uh, आप सबके सवाल मुझसे पूछ सकती हैं यू विल गेट कैन गेट द दंसर्स एंड डेफिनेटली लाइक दिस विल टॉक अबाउट सो मेनी अदर इश्यूज अगर आपको लगता है कि uh, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर आपको जानकारी चाहिए तो देखो हमारा मेन फोकस क्या होता है लोगों को ट्रेन करना लोगों को गाइड करना डेफिनेटली uh, जहाँ पे हम एडवाइस देने की बात करते हैं टिप्स देने की बात करते हैं लोगों को कुछ ब्रीफ ट्रेनिंग्स देने की बात करते हैं आप genuinely जो अगर आप सवाल पूछेंगे जो चीजें होंगी जो के के ऊपर आपको चाहिए होगी हम आप लोगों हैं वट यू डू जो कमेंट्स जैसे आते हैं जो आपको सवाल आए ना आप उनके नाम भी नोट कर लिया करो लोगों के सो so, हम नाम के साथ ही कि इनका सवाल था तो विल एक्चुअली हाईलाइट एक्चुअली सो दिस इज़ ऑल एंड अपना प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया एंड दिस इज़ माई प्रॉमिस यार पता है क्या है रुकना नहीं है थकना नहीं है आगे चलते रहना है आप लोगों को भी ना इस वक्त नेगेटिविटी है ना पूरी दुनिया में दिख रही होगी दिस इज़ अ चैनल वेर वी टॉक अबाउट पॉसिबिलिटीज़ वेर वी टॉक अबाउट अपॉर्चुनिटीज़ वे वी टॉक अबाउट पॉजिटिविटी एंड विल इम्पैक्ट योर लाइफ ये मैं आपको बता रहा हूँ कि देखो एक माइंड सेट आने से ही ना लोगों की सोच बदलने से ही लोगों की ज़िंदगी बदलना शुरू हो जाती है एंड एक पॉजिटिव सोच लाना ज़रूरी है दिस इज़ वॉट यू ब्रिंग नाउ एंड फाइनली इस वीडियो को आप शेयर ज़रूर करना क्योंकि बहुत सारे लोगों के बहुत सारे सवाल हैं इस वीडियो को शेयर करने से उनको सवालों के जवाब मिलेंगे एंड लोगों को जवाब मिलते हैं उनकी क्रोसिटी का उनको सोल्यूशन मिलता है तो लोग इसे पसंद भी बहुत करते हैं एंड आप लोगों को इंस्पायर करने के लिए भी ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए बिकॉज बहुत सारे ऐसे लोग हैं इंडिया के अंदर जिन्हें ना बहुत कम ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं कि हम कुछ बड़ा कर सकते हैं तो शेयर जरूर कीजिए हर व्हाट्सएप ग्रुप पे फेसबुक पे वेरेवर यू आर प्रेजेंट एंड फाइनली एज आई टोल्ड यू आर एज आई you, यू नाउ are आर गोइंग टू डू समथिंग बिग वी आर गोइंग टू up नाउ एंड साथ में जो लोग हमारे साथ हैं उनके साथ हम अप करने वाले हैं एंड अपना प्यार देने के लिए लाइक ज़रूर कीजिए जो लाइक बटन है उस पर ज़रूर प्रेस कीजिए सो दैट आपका प्यार मिलता है तो शुभी को मोटिवेशन मिलता है शुभी लाइक देखती है कि यार लाइक बहुत सारे आए हैं तो मैं और वीडियोज़ बनाऊंगी तो शी इज़ एक्चुअली डूइंग दैट सो शी लव्स नाउ इंट्रैक्टिंग विद यू ऑल सो अपना प्यार देने के लिए लाइक जरूर कीजिए फाइनली इफ यू न्यू टू द चैनल सब्सक्राइब एंड बेल आइकन पे क्लिक कीजिए क्योंकि अब बहुत ज़्यादा पावरफुल वीडियोज़ आपको लगातार मिलने वाली हैं सो नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कीजिए आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो आप डेफिनेटली इसी वीडियो में से आ, इस पे हम क्रिएटिव uh, कॉमेंट्स दे देते हैं क्रिएटिव mm. कॉमेंट्स का मतलब होता है कि आप इस वीडियो की कोई भी क्लिप को यूज कर सकते हो उस पर हमें कोई कॉपीराइट की जरूरत नहीं है तो विल नॉट पुट एनी कॉपीराइट ऑन क्रिएट तो क्रिएटिव कॉमेंट्स हम दे देते हैं इस वीडियो को जो लाइसेंस है चेंज कर देते हैं सो यू कैन यूज दिस वीडियो यू कैन क्रिएट योर ओन वीडियोज एंड स्प्रेड पॉजिटिविटी इन द वर्ल्ड देर आर लॉट ऑफ नेगेटिव पीपल ऑलरेडी देयर वी नीड